Yes, we are live now. Hello friends.

ज़्यादातर नए क्वेश्चन कुछ पुराने क्वेश्चन जो काम के हैं और जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो मिक्स एंड मैच चलेगा कुछ आसान क्वेश्चन जिस तरह से पेपर में रहते हैं कुछ मुश्किल क्वेश्चन कुछ मॉडरेट क्वेश्चन तो अगर आप ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं सीरीज को तो चाहे आप अपने बैचेस में पढ़ रहे हो करियर विल पे मतलब हमारे साथ चाहे आप कहीं और पढ़ रहे हो चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो आपकी जो तैयारी है उसमें चार चांद लग जाएंगे 110 परसेंट उसका रीजन है कि प्रॉपर एनालिसिस होगा और मेहनत करेंगे हम इसमें साथ में जो सारा एक्सपीरियंस है इतने सालों का जो आप लोगों की क्वेरीज रहेंगी सबको मिला करके साथ में पोल चलेगा ये 30 आउट ऑफ 30 जो सीरीज के क्वेश्चंस हैं पेपर वन पेपर टू ऑफकोर्स दोनों के लिए है क्वेश्चन uh, को अच्छे लेवल का रखा है आज के जो शुरुआत के दस बारह क्वेश्चन हैं वो आपके लिए ऐसे होंगे कि वो थोड़ा सा एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे यानी ट्राई बॉल जैसे होंगे कुछ आसान कुछ मुश्किल फिर उसके बाद से आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मतलब जिनमें थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा दिमाग लगे जैसे अजर्शन और रीजनिंग के जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं मल्टीपल ऑप्शन को एक साथ चूज करने वाले ऑप्शन हैं थोड़े से कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के सेशन में और अगेन वही इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट का कॉम्बिनेशन है तो स्टार्ट करते हैं पिछले दस दिनों से काफ़ी तबीयत खराब रही साढ़े आठ है अभी भी हीमोग्लोबिन जो है सुधर जाएगा अगले एक हफ्ते में मुझे लगता है इतना तो हो गया है मतलब बेटर है अभी स्थिति कि आपके साथ डिस्कशन किया जा सके इन बिटवीन लास्ट वीक भी मैंने कुछ क्लासेज ली हैं तीन चार बट वो बैच में ही मैं ले पाई शाम को छः बजे जो क्लास होती है बैच वाली उसके बाद उतनी एनर्जी बच ही नहीं पाई कि क्लास ले पाऊँ उसमें भी तीन ही दिन हो पाई थी हालांकि आज से ठीक लग रहा है आज दोनों जगह क्लास हुई है तो स्टार्ट करते हैं बातचीत करते रहेंगे और पोल आपके सामने आएगा इसके अलावा हम टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस करते रहेंगे मिक्स भी करते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर भी काम करते रहेंगे तो जो सी टेट को लेकर के आप नौ बजे का टाइम अपना बिल्कुल फ्री करके रखिए कि रात को नौ बजे हम लोग मिलेंगे डेली मंडे टू फ्राइडे एटलीस्ट कोशिश रहेगी सैटरडे भी मिलें कुछ दिनों तक तो और आ, समझते हैं कहानी क्या है तो ये क्लास वन है चलिए स्टार्ट करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों को बता दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं है ना इसके अलावा जो पी रहेगी क्योंकि इस सेशन की पी आपको आज रात में ही मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा किसी फेक चैनल किसी फेक वेबसाइट किसी फेक ऐप मेरे नाम पे प्लीज़ कोर्स में एनरोल मत कीजिएगा सिर्फ करियर ऐप पे मैं पढ़ाती हूँ ऑफिशियली अगर हम बात कर रहे हैं अभी के लिए तो आप किसी और जगह पे फालतू में अपने पैसे बर्बाद मत कीजिएगा कि आपको लगे कि मेरे नाम पर कोई नोट्स बेच रहा है कोई Uh, कुछ और कोर्स बेच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है या तो लेट्स लर्न पे आपको क्लासेस मिलती हैं ऑफिशियल रूप से या फिर करियर विल पे दैट्स इट बाकी या तो फैन चैनल्स हैं या फिर अगर कोई बेच रहा है कुछ आपको तो वो सीधा सीधा फ्रॉड है आप मेल डाल दिए और हम उस पर कार्रवाई करेंगे ठीक बैच आपका सीटेट के जो बैचेस हैं उनमें एनरोलमेंट अभी भी जारी है आप एडमिशन ले सकते हैं एक बेसिक सी फी के साथ करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जा करके और uh, प्रॉपर में जो टॉपिक की क्लासेस हैं वो चल रही हैं आपकी डेली जितना मैं यूट्यूब पे करा पाऊंगी वो भी करेंगे प्रीवियसली भी यूट्यूब पे तो बहुत सारी क्लासेस हैं ऑलरेडी चलिए खैर क्वेश्चन नंबर वन से शुरुआत करते हैं और आपके सामने पोल आएगा पोल पे आप टिक करेंगे कि क्या पूछा है देखिए अगेन नए पुराने आसान मुश्किल सारे क्वेश्चन मिलाकर के कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा आज हम थर्टी आउट ऑफ थर्टी सीरीज का एक सेट लगा रहे हैं पहली क्लास है बीच में हम बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे कल हम वाइगोस्की के क्वेश्चंस करेंगे इन बिटवीन हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी उठाएंगे तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चनगा देखिएगा द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली एज अ सोशल एजेंट इज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय यानी एक सामाजिक तत्व या एक, एक सामाजिक कारक के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः डैश द्वारा प्रतिस्था, प्रतिस्थापित हो जाता है कोशिश कीजिए दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चन को पढ़ें क्योंकि कुछ टर्म्स पेपर में भी इवन ट्रांसलेटेड होते हैं एज इट इज और उसमें दिक्कत आती है आपको इंग्लिश की साइड देखना पड़ता है और जो फाइनल आपके एग्जाम में भी जो सी अगर गलती कोई हिंदी की साइड है तो उसको उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा इंग्लिश वाली साइड ही फाइनल मानी जाती है पेपर में तो टर्म्स के केस में अगर आप कंफ्यूज हो तो इंग्लिश वाली साइड जरूर देखें यानी दोनों ही भाषाओं में पढ़ लें अगर कंफ्यूजन हो तो सी ऑप्शन 53 परसेंट लोग कह रहे हैं देखिएगा प्रोफेशनल्स अच्छा सी ऑप्शन यानी पीयर ग्रुप्स आप कह रहे हैं चलिए पचास लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं मैं ये कहूंगी कि इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली परिवार का जो प्रभाव है एज अ सोशल एजेंट भाई सामाजिक कारक है समाज का छोटा रूप है मिनिएचर वर्जन है कौन परिवार समाज का छोटा रूप है है ना परिवार तो सामाजिक वाहक है हुआ एक रिप्लेस बाय फैमिली रिप्लेस हो जाती है सामाजिककरण की प्रक्रिया में एक टाइम के बाद कौन स्थान ले लेता है फैमिली का फैमिली का नहीं बेसिकली जो इंपॉर्टेंस है जैसे प्राइमरी फैमिली है तो सबसे ज्यादा टाइम बच्चा परिवार में बिताता है शुरुआत के जो तीन साल साल हैं उसके या इवन तक तक भी जब तक वो फर्स्ट क्लास में नहीं है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं छह साल के बाद से पीयर ग्रुप में बहुत ज्यादा गैंग एज भी कह रहे हैं हम फिर एडोलेसेंस आ जाएगा तो और ज्यादा पीयर ग्रुप का प्रभाव है फिर जो जैसे कपड़े उसके दोस्त पहनते हैं वैसे वो कपड़े पहनना चाहेगा जैसे वो बाइक कोई चला रहा है मान लीजिए जो टीनेजर्स हैं या कुछ भी वो खिलौने तक भी इस चॉइस पे बेस होता है उनका कि उनके दोस्त क्या पहन रहे हैं क्या खा रहे हैं क्या कहाँ जा रहे हैं छुट्टियों में तो सहकर्मी समूह या सहपाठी समूह जो है वो रिप्लेस कर देता है परिवार का जो रोल है सामाजिकरण में मतलब शुरुआत में हम समाज में कैसे रहते हैं ये तौर तरीके कहां से सीखते हैं परिवार से सीखते हैं कि कोई घर पे आए तो पानी पूछते हैं नमस्ते करते हैं वट मम्मी पापा को नमस्ते करते हैं सुबह उठ के या भगवान की पूजा करते हैं या जो भी इबादत करते हैं जिसके यहां पे जो है तो ये क्या हुआ परिवार से सीख रहे हैं हम के समाज में कैसे रहते हैं लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे हम पे प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है एक बच्चे पे एक समय के बाद जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू करता है अपने दोस्तों का और एक समय तो ऐसा है जब पीक है वो चीज अडोला तक आते आते

समझते हुए चलेंगे ना? है, 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 है ना मिक्स क्वेश्चन का सेट है पूरा क्वेश्चन नंबर टू है वेयर द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कंडक्ट एक्टिविटीज यानी एक और क्वेश्चन है सोशलाइजेशन से एक नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं है ना सामाजिकरण के वाहक कहां गतिविधियों का संचालन करते हैं यानी सोशलाइजिंग एजेंट्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज होती कहां है मतलब सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो चल कहां रही है समाज में चलेगी समाज डायरेक्ट ऑप्शन में है नहीं तो क्या बचा ऑप्शन हमारे पास कम्युनिटीज का अच्छा है कैटेगरीज पीयर ग्रुप्स मीडिया हाँ होती तो मीडिया में भी है हम मीडिया से भी सीख रहे हैं कोई मूवी आ रही है तो है ना ये मीडिया से भी हम सीख रहे हैं अभी देख रहे हैं रिसेंटली एनिमल मूवी आई है कितनी रील्स बनाई जा रही है कितने व्यूज लाए जा रहे हैं है ना लोग गाने जो सुनते हैं मूवीज में इवन उस तरह की रील्स बनाते हैं तो ये क्या है बेसिकली मीडिया का भी प्रभाव होता है सामाजिकरण पे ये हम कहेंगे पीयर ग्रुप्स आपके दोस्त यार जिस तरह से रह रहे हैं वो भी है कैटेगरीज अब श्रेणियों की यहां पे क्या बात हुई हमें नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या कहना क्या चाहते हो है ना लेकिन ये दोनों बातें सही हैं ये दोनों अपने आप आ जाएंगे यहां पे कम्युनिटीज के अंदर जो आपका पीयर ग्रुप है वो कम्युनिटी में भी तो इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं मीडिया कम्युनिटी से निकल के जा रहा है तो बेटर ऑप्शन जो है हमारे पास वो समुदाय है कि सामाजिकरण के वाहक जो गतिविधियों का संचालन है जो एक्टिविटीज हैं समाज की दिवाली मना रहे हैं होली मना रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे है ना क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद मना रहे हैं कुछ और ग्रुप मना रहे हैं तो ये क्या कम्युनिटीज में हो रही है ये सारी एक्टिविटीज तो सामाजिकरण के जो वाहक हैं वो अपनी जो सोशल एजेंट्स हैं स्पेशली वो क्या कर रहे हैं कम्युनिटीज में अपनी एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं एक तरह से या संचालित कर रहे हैं मैं कहूँ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थ्री अगेन मैंने कहा शुरुआत के दस बारह क्वेश्चन ऐसे होंगे बस आपको लगेगा कि वार्म अप हो रहा है उसके बाद आपको थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा जैसा कि पेपर में भी होता है सारे क्वेश्चन ना आसान होते हैं ना मुश्किल होते हैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर

ना? तो ये एक लक्षण है किस चीज का सोचिए डिफिकल्टी इन रिक्जिंग वर्ड्स और लेटर्स यानी शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होना यानी उसको समझ नहीं आ रहा कि ये बी है कि कि डी है छे है नौ है कंफ्यूजन है लेटर्स को पहचानने में आइडेंटिफाई करने में बात तो सही है पुअर वोकैबुलरी स्किल्स यानी खराब शब्दावली कौशल यानी शब्द ठीक से उसको उसके पास शब्द भंडार की कमी है किस चीज को क्या कहेंगे कैसे लिखेंगे क्या पढ़ेंगे सही है। Difficulty with understanding है? है, है और 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 किससे संबंधित संबंधित से ठीक ना? Difficulty with understanding remembering what was read. उसको ये याद रखने में में समस्या होती है कि क्या उसने पढ़ा था और पढ़ के समझने में भी दिक्कत हो रही है बच्चे को। पढ़ने में भी और पढ़ के समझने में भी मतलब पढ़ने के अराउंड बात हो रही है कहीं ना कहीं चारों options यही कह रहे कि पढ़ने के अराउंड समस्या है ठीक है बच्चों को क्या है सीधा सीधा दिख रहा है, है।, जो है वो दिया था ने, 1960s यानी, एक तरह की अक्षमता है ऑटिस्टिक नहीं है बच्चा ऑटिस्टिक बच्चे बार बार रिपीट करते हैं चीजों को है ना सोशली उनको एंगजाइटी होती है ज्यादा घुलने मिलने से लोगों से तो वो सब लक्षण तो यहाँ है नहीं क्रिएटिव है कुछ नया बनाने की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे कुछ डिफरेंट ही आइडिया लेकर के आ गया हो बच्चा स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी ये इकतालीस परसेंट लोग सही उत्तर बताओ एक बार इतने आसान सवाल का सीखने की अक्षमता वाला एक छात्र अब यहां पे अगर डिस्लेक्सिया अलग से दिया होता तो हम डिस्लेक्सिया टिक कर देते लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है डिस्लेक्सिया डिस्केल्कुलिस मोर्फिया है ना डिस्फिया ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर आती हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी दे दिया मतलब dyslexia के अंदर अपने आप आ गया होगा क्योंकि dyslexia अलग से नहीं दिया हुआ स्टूडेंट अगर अलग से डिस्लेक्सिया होता तो हम कहते थे हैं स्टूडेंट विद मेंटल इंपेयरमेंट भाई कोई मानसिक मंदता या मानसिक दिव्यांगता या परेशानी नहीं है बच्चे को ये कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं आई कम है बच्चे का या वो रिटायर्ड है सीख नहीं सकता ये ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल वायरिंग इनकी ऐसी होती है कि इनको आपको ए ऐसे समझ आता हो इनके दिमाग में ऐसा बनता हो बी को डी पढ़ लेते हैं सो को वॉज पढ़ लेते हैं गॉड को डॉग पढ़ लेते हैं रिवर्स पढ़ लेते हैं कई बार अक्षरों को है ना तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर आगे बढ़ेंगे ये क्लास की बात हुई देखिएगा एक बार अगर हम देखें यहां पे, तो ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं थोड़ा सा समय लगाइएगा इसको रील की तरह मत लीजिएगा तीस सेकंड की या एक मिनट की कि बहुत जल्दी से स्पीड में कोई आपको करा दे स्पीड आप बढ़ा सकते हैं बाद में चाहें क्योंकि दिमाग में टिक नहीं पाएंगी चीजें मैं तो जल्दी से पढ़ा के निकल जाऊंगी आपको पता है मेरी स्पीड ठीक ठाक है है ना लर्निंग डिसेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमने शुरुआत में भी बात की जो एलडीज कहा जाता है इनको लर्निंग डिसेबिलिटीज अधिकम अक्षमताएं सीखने में जो होने वाली अक्षमताएं हैं इनका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का आई कम है उसका दिमाग खराब है आई मीन मानसिक मंदता या कोई समस्या है मेंटल प्रॉब्लम नहीं है ये एक इनकी न्यूरोलॉजिकल वायरिंग डिफरेंट होती है

रीडिंग से संबंधित है ना इसके अलावा दो तीन सबसे ज्यादा कॉमन है डिसग्राफिया ग्राफ का मतलब होता है ग्राफ यानी पेंसिल से बनाओगे ना ग्राफ ऐसे दिमाग में रख सकते हो कि राइटिंग से संबंधित दिक्कत है तो डिस्ग्राफिया है, है इसके अलावा अगर मैं बात करूं डिस्कैलिया कैलकुलेशन का मतलब ही है कि मैथ्स में कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही होगी है ना तो मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन रिलेटेड दिक्कत है ठीक है जी डिसिया और होता है जो इंपॉर्टेंट है डिस लैंग्वेज को समझने में भाषा को समझने में दिक्कत तो ये चार तो आप दिमाग में बार बार रेपिटेशन में बिठा लीजिए समझने में दिक्कत वीकनेस इतनी है कि हाथ में दर्द होने लगता है लिखते लिखते जबकि <coughs> देखिएगा इतनी बात क्लियर है जी कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो आप बता दीजिए ईश्वर ने चाहा तो अब आपकी छुट्टी करेंगे नहीं हम ठीक है ना चलिए भाषा समझने में दिक्कत डिसिया हिंदी में भी इसको ही कहेंगे डिस्कैलकुलर मैथमेटिक्स में बच्चा गुणा की जगह भाग मतलब गड़बड़ हो जाती है उसकी कैलकुलेशन में डिस्ग्राफिया है राइटिंग से संबंधित डिस्लेक्सिया है रीडिंग से संबंधित है और भी बट ये चार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और आप पोल में जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा एक बार आसान सा सवाल है थोड़ा सा पढ़ने में बड़ा लग सकता है पेडागोजिकल सवाल थोड़े पढ़ने में बड़े होते ही हैं बस पढ़ के समझ लिया आपकी हाफ बैटल वॉन है ठीक है जी लाइक शेयर करते रहना ऐसे नहीं कि दस हजार लोग देख रहे हैं डेढ़ हजार लोग लाइक कर रहे हैं एनर्जी तभी निकल करके आएगी है ना आज शाम वाली क्लास में भी मैं छह बजे ये सोच रही थी पता नहीं यार ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी पंद्रह मिनट पहले भी मैं सोच रही थी कि मैसेज डाल देती हूं टीम को कैंसिल करने के लिए कि बिल्कुल एनर्जी फील नहीं हो रही आप खुद सोचिए एट हीमोग्लोबिन पर कितनी एनर्जी फील हो रही होगी तो लेकिन जैसे ही क्लास लेना शुरू किया थोड़ी सी हिम्मत करके पंद्रह मिनट बाद मैं ही भूल गई कि कोई दिक्कत है देखिए एक बार तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की तो वही चीज यहां पे चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर है in एक एक समावेशी कक्षा, कक्षा कौन सी है भाई? जहां हर तरह के बच्चे हैं जहां वो बच्चा है जो गिफ्टेड भी है यानी जिसका दिमाग बाकियों से तेज चलता है जहां वो बच्चा है जो कुछ नया भी करना जानता है जहां वो बच्चा है जिसको चलने में दिक्कत है जहां वो बच्चा है जिसको सुनने में दिक्कत है जहां वो बच्चा है जिसको कोई भी समस्या है हर तरह का बच्चा आपका समावेशी कक्षा में होगा इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं यानी एजुकेशन फॉर ऑल तो स्पेशली एबल्ड बच्चा है विशेष आवश्यकताओं वाला बच्चा है उसको कैसे इंक्लूड करेंगे किसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में, में? यह बात हमें यहां पूछी है देखिएगा एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट ये एकदम वाहियात तरीका है कि एक बच्चा जिसको विशेष आवश्यकता है वो विशेष आवश्यकता देखने में दिक्कत हो सकती है सुनने में दिक्कत हो सकती है या फिर गिफ्टेड है तो भी उस केस में भी आपको स्पेशली उसके लिए कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे जो बाकी बच्चों से अलग होंगे तो ये कह रहे हैं सिंपल पेपर पेंसिल देखो जहां ड्रिल दिख जाए ना ये अपने आप में बहुत नेगेटिव है कि सिर्फ आप बार बार रट्टे लगवाने की बात कर रहे हो है ना प्रैक्टिस सुनने में अच्छा लगता है बट बार बार रेपिटिशन हो रहा है सिर्फ तो इसका मतलब ये सबकी नीड को फुलफिल नहीं कर पाएगा फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूनिफॉर्म वर्ड ही अपने आप में यूनिफॉर्मिटी इतना नेगेटिव वर्ड है जिसकी हद नहीं है यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सबको समान निर्देश देना जबकि आप सबको सेम डंडे से नहीं हांक सकते डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक जो फ्री नोट्स दिए हुए उसमें भी मैंने लिखा हुआ है ठीक है ना यूनिफॉर्म वेस यूनिफॉर्म पहनने में अच्छी लगती है स्कूल में कि सब बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं ताकि इस बात से फर्क ना पड़े कौन किस घर से आ रहा है किस बैकग्राउंड से आ रहा है किस जाति से किस आर्थिक स्थिति से आ रहा है सब सेम कपड़े पहनते हैं यूनिफॉर्म है अच्छी बात है लेकिन यूनिफॉर्म वहीं तक सही है पढ़ाने के तरीके में यूनिफॉर्मिटी खराब चीज है सबको आप सेम मेथड से नहीं पढ़ा सकते वहां डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए मल्टीपल वेज होने चाहिए पढ़ाने के अलग अलग तरीके अपनाने हैं आपको तो यूनिफॉर्म वेज का मतलब हो गया सबको एक ही तरीके से एक ही मेथड से पढ़ा दो जबकि आपको डिफरेंट बच्चों क्योंकि बच्चे अलग होंगे क्लास में उनका इंटरेस्ट अलग होगा तरीके अलग होंगे किसी को देख के अच्छे से समझ में आता है किसी को सुन के अच्छे से समझ में आता है किसी को एक्टिविटी करके अच्छे से समझ में आता है ठीक है ना तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यूनिफॉर्म वेज यानी एक सिंगल तरीके से सेम तरीके से सबको पढ़ा दें ये गलत होगा सी ऑप्शन है गिविंग अ लॉट ऑफ रिटर्न होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसर फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट्स के जो ब्राइट बच्चे हैं जो जिनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं उनके आंसर कॉपी कर लो बस तो रटंत विद्या चलंत नहीं यहां पे हमको कॉपी नहीं कराना है बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भाई स्पेशल नीड वाला यदि बच्चा है किसी को सुनने में दिक्कत है बोलने में दिक्कत है समझने में दिक्कत है वॉट द नीड इज जो भी स्पेशल नीड है बच्चे की उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे पहचानेंगे कि उसकी नीड क्या है उसकी स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ जरूर होंगी हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है यूनिक है हर बच्चा उसकी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है अगर सुनने में दिक्कत है तो आप उसको दूसरे तरीके से सिखाएंगे देखने में दिक्कत है तो दूसरे तरीके से सिखाएंगे तो हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होगी तो उस पर ध्यान देकर उसके लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे कि वो बच्चा किस तरफ अच्छा कर सकता है ये हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन कि हर बच्चे को आपने शामिल कर लिया डी ऑप्शन इज द राइट आंसर कितने लोग सही दे रहे हैं एट्टी फोर परसेंट चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर आसान से सवाल है बहुत आसान सवाल है इसी में अगर मैं वन टू एड कर दू यहां पर बोथ ए एंड बी सही होंगे बी सही होगा तो आप घबरा जाएंगे है ना तो अभी मैं वो नहीं कर रही हूं लास्ट के कुछ क्वेश्चन में किया है ऐसा भी तो ये थोड़ा सा यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन से घबराना नहीं है आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक्स हैं उनको मजबूत कर लेंगे तो किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ ले पेपर में क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे ठीक है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज यानी रचनावादी दृष्टिकोण जिसमें प्याजे और वाइगोस्की हैं या ब्रूनर भी हैं फॉर दैट मैटर बताता है कि ज्ञान के निर्माण के लिए डैश महत्वपूर्ण है भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आपका जो एनसीएफ है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई पॉलिसी है वो भी फोकस करती है जितने भी नए डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब फोकस करते हैं किस पे कि एजुकेशन में हम कंस्ट्रक्टिविज्म पे ध्यान दें कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बच्चा खाली बर्तन नहीं है ब्लैंक स्लेट नहीं है टेबुला रासा नहीं है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है वो नन्हा वैज्ञानिक है जैसा कि प्याजे भी कह रहे हैं ठीक है ना तो बच्चे को एक्टिव रखना है कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है चाहे वो नेशनल करिकुलम करिकुल तेईस हो कोई भी हो सब बच्चे को सक्रिय रखने में बात करेंगे और हम भी 90 परसेंट क्वेश्चन आपके पैडोलॉजी के इस बात से सॉल्व हो जाएंगे कि अगर आप चार ऑप्शन में से ये ढूंढ पाए कि बच्चे की भलाई किसमें है सबसे ज्यादा और बच्चा एक्टिव कहां है इन दो सिद्धांतों पे या सिंपल आप बच्चे को एक्टिव जहां देख लेंगे ऑप्शन में में आपका आंसर निकल जाएगा 90 में। बस आपको पहचानना आना चाहिए तो रचनावादी दृष्टिकोण बताता है नाम ही है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मतलब कंस्ट्रक्शन नॉलेज का कंस्ट्रक्शन रचना करना तो ज्ञान का निर्माण के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर यानी शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान जो प्रीवियस नॉलेज बच्चा लेकर के आया है वो या फिर कंडीशनिंग कंडीशनिंग होती है आदत डलवाना दो एकम दो, दो, दो चार अब आपकी इतने दिमाग में बैठ गई है वो चीज के कंडीशनिंग के लेवल पे चली गई है कि आपसे कोई नींद में पूछे दो थी कितने होते हैं तो आप बताएंगे छह टू थ्री या सिक्स ठीक है ना तो ये ये तो तरीका सही नहीं है रटंत विद्या हो गई ये तो रोट लर्निंग एक तरह से है ना और रटंत विद्या नहीं चाहिए हमको एक्टिव चाहिए बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चाहिए जहां बच्चा सेंटर में पनिशमेंट हम बिल्कुल आज की डेट में अलाउ ही नहीं करते राइट टू एजुकेशन एक्ट ने मना किया हुआ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम दो हजार नौ में कॉरपोरल पनिशमेंट बच्चे को आंख दिखाना मुर्गा मुर्गी बनाना डंडे से बात करना यह सब मना ही है रोड मेमोराइजेशन रटना तो किसी भी केस में लागू होता ही नहीं है तो प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर रचनावादी दृष्टिकोण कहेगा कि अगर ज्ञान का निर्माण करना है तो बच्चे के पूर्व ज्ञान पे नींव क्या है नींव के ऊपर ही इमारत बनाई जाती है ना अगर आपने घर में कभी बिल्डिंग बनते हुए देखी होगी पहले नींव भरी जाती है किसी भी बिल्डिंग की है ना वो नींव भरी जाएगी उसके ऊपर आपका फिर बिल्डिंग बनेगी दीवारें खड़ी होंगी तो उसी तरह से बच्चे की नॉलेज की दीवारें खड़ी करने के लिए आपको पहले उसकी नींव से कनेक्ट करना पड़ेगा यानी जो वो पहले से जानता है जो उसका पूर्व ज्ञान है जो वो घर से लेके आया है क्योंकि बच्चा दुनिया में रहता है खाली बर्तन नहीं है स्कूल आने से पहले भी वो एक दुनिया देख रहा है कुछ ना कुछ उसके दिमाग में होगा तो उसकी प्रीवियस नॉलेज से उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ना है आप जब लेसन प्लानिंग भी करते हैं जब आप लेसन प्लानिंग भी करते हैं जो पाठ योजना बनाते हैं अपने बी एड में डीएलएड में बीटीसी में वहां पे भी आप क्वेश्चंस पूछते हैं टू टेस्ट द प्रीवियस प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर तीन क्वेश्चंस पूछते हैं चार क्वेश्चन पूछते हैं जो भी कि हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं पूर्व ज्ञान टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद आप चैप्टर पढ़ाते हैं ताकि आपको पता चले कि आज आप बादल के बारे में या बारिश के बारे में पढ़ाने वाले हैं तो बच्चों को कितना पता है उस चीज के बारे में और उससे कनेक्ट करते हैं तो जो बच्चा पहले से जानता है उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है नींव के ऊपर तो प्रीवियस नॉलेज या प्रायर नॉलेज जो पूर्व ज्ञान है उससे कनेक्ट करके आप नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कराते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर देखिएगा देखिए इन्हीं बातों को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है आपको भी आसान लगेंगी कई चीजें है ना उसका रीजन ये है कि जैसे ही आपसे कान इधर से ना पकड़ के नीचे से पकड़ लेगा या उल्टा पकड़ लेगा आप घबरा जाएंगे इसलिए बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है ये बातें एग्जाम हॉल में जाकर के याद आती हैं लोगों को विकास बहुत बढ़िया चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नाइव थियोरीज अबाउट वेरियस फिनोमिन एक भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो फालतू में करा रही होंगी मैं आपको इेलिवेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो टॉपिक्स आते हैं जो सिलेबस में हैं, उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बेवजह जिन टॉपिक से मान लीजिए सोशलाइजेशन से एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं तो मैं छह क्वेश्चन आपको सोशलाइजेशन के इस तीस नंबर के सेट में करा दूं है ना वो अलग से एक टॉपिक में मैंने सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां एक एक टॉपिक के आपको पता नहीं कितने कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे 88% लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं जवाब देखिए नाइव थ्योरीज पे हमेशा क्वेश्चन आता है नाइव थियोरीज का दूसरा नाम क्या है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है ना ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन वैकल्पिक अवधारणाएं कह देते हैं हम इसको क्या कह देते हैं भाई वैकल्पिक अवधारणाएं कह देते हैं तो देखते हैं चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नाइव थियोरीज अबाउट वेरियस फिनोमिन इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत या कई बार इसको अनुभवहीन सिद्धांत भी कह देते हैं क्रिएट कर लेते हैं या गढ़ते हैं इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या चाहिए बच्चे ने आपने बताया कि वॉटर इज कलरलेस पानी का कोई रंग नहीं होता पुराने गाने भी बने हुए हैं पुराने जमाने में कि पानी का क्या रंग होता है तो वो जिसने आप जिस तरह से मिला दोगे वैसा रंग बन जाएगा है ना इसमें कोई भी कलर ऐड करोगे पानी का कलर चेंज हो जाएगा तो वाटर इज कलरलेस यानी पानी रंगहीन है आपने बच्चों को बताया लेकिन बच्चे ने अपने घर में या कहीं दुनिया के किसी तालाब में हरे रंग का पानी देखा था उसने कहा बट मैम पानी तो ग्रीन होता है पानी का रंग तो हरा होता है या नीला होता है मैंने तो देखा है अब यह बात उसके अनुभव के आधार पे तो सही है कि उसके अनुभव से जो उसने देखा और उसने बता दिया लेकिन यह फैक्चुअली सही नहीं है साइंटिफिकली सही नहीं होगी टेक्निकली सही नहीं है

कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि दूध तो मदर डेयरी से आता है क्योंकि उसका अनुभव नहीं रहा होगा भैंस या गाय से निकलते हुए देखने का तो आप ये नहीं कहेंगे अरे तुम तो पागल हो तुम्हें तो कुछ पता नहीं है वो उसकी अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है वो उसकी नाइव थियरी है नाइव थियोरी क्या होती है जो हम आ, क्या कहेंगे एक सहज रूप से बना लेते हैं अपने अनुभव के आधार पर या बचपने में बना लेते हैं एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि भाई कुछ लोग होते हैं मतलब उन्हें दीन दुनिया का पता ही नहीं कई बार हम कहते ना बहुत ज्यादा मान लीजिए कोई इनोसेंट है हम कहें अरे बड़ा नाइव है यार इसको पता ही नहीं है दुनिया कितना छल है दुनिया में तो मतलब एक वो बचपन में या जो अपने अनुभव के आधार पर बहुत इनिशियली बहुत ज्यादा दिमाग शायद उस तरह से नहीं लगाया गया तो इनको हम सही मानते हैं क्यों क्योंकि बच्चा अपने अनुभव के आधार पर एटलीस्ट खुद को प्रदर्शित तो कर रहा है अपने आप को व्यक्त तो कर रहा है ठीक है ना इन दिस बैकग्राउंड टीचर शुड चैलेंज दीज ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग बच्चे की इस धारणा को इन अवधारणाओं को संवाद के माध्यम से चुनौती दे डिसमिस कर दे यानी बच्चों के इन विचारों को खारिज ही कर दे के जाओ भागो यहां से ये नहीं करना इग्नोर कर दे तो फिर सही कैसे होगा भाई अगर इग्नोर कर दिया तो बच्चा जिंदगी भर यही सोचता रहेगा पानी तो नीले रंग का होता है ठीक है ना स्कोल्ड स्कोल्ड चाइल्ड या स्कोल्ड द चिल्ड्रन फॉर हैविंग दीज आइडियाज दैट इंटरफियर विद हर टीचिंग कि बच्चों के ऐसे विचारों के लिए उनको डांटेंगे अरे पता तो कुछ है नहीं ये नहीं करना इग्नोर करना डांटना या डिसमिस कर देना ये सोल्यूशन नहीं होगा सोल्यूशन क्या होगा डिस्कशन अब ये पहला वर्ड पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि यार चैलेंज क्यों कर रहे हैं हम लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है आपको यहां पे यही है चुनौती दे सॉरी <coughs> मतलब कि, हम करेंगे कि क्या ये बात सही है या नहीं है तथ्यों पर बात करेंगे चार बच्चे और अपने अपने अनुभव बताएंगे तब हम सही कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे डायलॉग के द्वारा बच्चा एक्टिव भी है इसमें पार्टिसिपेशन भी होगा और क्योंकि वो गड़बड़ है तो इसमें चैलेंज का मतलब पहुंच पाएगा के लिए मजबूर करते जाएंगे वेन स्टूडेंट्स रेपिटेडली एंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिजाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू अर्न दैट इज नॉट क्वेश्चन आया हुआ है ट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी सच एज अवन स्टार और बैज दे आर लाइफली टू जब छात्र पुरस्कार अर्जित करने के लिए बार बार किसी ऐसी गतिविधि जैसे कि प्रयोग को डिजाइन करना और संचालित करना में संलग्न होते हैं जो सीधे तौर पर उस गतिविधि से संबंधित नहीं है यानी कोई एक्टिविटी की कहा कुछ प्रोजेक्ट बनाओ और स्टार मिलेगा होते ना बच्चे बहुत खुश होते हैं मैम आज तो देखो मम्मी देखो दीदी देखो आज तो मुझे स्टार मिला है ना मैम ने मुझे थ्री स्टार दिए हैं मेरी राइटिंग के लिए तो जब बच्चे बार बार कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको स्टार मिलेगा कोई बैज मिलेगा उनको गुड मिलेगा वेरी गुड मिलेगा तो इससे होगा क्या अंत में डेवलप मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग यानी सीखने के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित कर लेंगे कि तभी सीखेंगे जब कुछ मिलेगा चाहे पापा चॉकलेट दें चाहे मैम स्टार दें साइकिल मिलेगी तो फर्स्ट आऊंगा या आऊंगी ये ये एटीट्यूड आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा सही बात है फिर भी पढ़ते हैं बाकी के तीन ऑप्शन एंजॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझने के लिए सीखने का आनंद लेंगे तो जिसको समझने के लिए सीखने का आनंद आ रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा है ना ऐसा नहीं है परसिस्ट इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड ऐसा नहीं है अगर आपको रिवॉर्ड के लिए काम करने की आदत पड़ गई है तो आप बिना रिवॉर्ड के काम करने का मन ही नहीं करेगा है ना चलिए अगर चलिए डी ऑप्शन है सेट मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्व्स रेदर देन वर्क टू प्लीज अदर्स यानी मास्टर गोल अपने लिए बनाना कि भाई मुझे महारत या निपुणता हासिल करनी है ना कि मुझे किसी से कुछ चाहिए यह ऐसा नहीं होगा ऐसा तब होगा जब आपने सीखने के एंजॉयमेंट को बच्चे के अंदर जगाया होता कि सीखने का अपना मजा है वो आपने नहीं किया यहां पे आप रिवॉर्ड देके ये चाह रहे हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग के लिए सीखे तो जब बार बार रिवॉर्ड पे हम फोकस करते हैं तो मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड बच्चे का बन जाता है तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब वो चॉकलेट के लिए काम भी ना करे बोर हो जाए उस चॉकलेट से भी अब उसको कुछ बड़ा चाहिए होगा क्वेश्चन नंबर एट देखिए तो हमें बच्चे में एंजॉयमेंट जॉय क्रिएट करना है लर्निंग को लेकर के कि उसको सीखने में मजा आए फिर उसको कुछ मिले ना मिले वो सीखेगा जरूर है ना द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज यानी बाल्यवस्था की जो अवधारणा है बचपन की जो अवधारणा है ये कुछ क्वेश्चन इसमें मैं जरूर ऐसे डालूंगी जो महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर के और ज्यादातर क्वेश्चन हम नए रखेंगे ये क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं हर बार गलती करते हैं हर बार मैं ये डिस्कस करती हूँ और देखिएगा तो अगर हम बात करें द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हुड इज बचपन की अवधारणा यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल यानी विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है अब देखो 60 लोगों ने गलत जवाब इसका दे दिया फटाक से ए ऑप्शन कह दिया कि हां जी चाइल्डहुड मतलब यूनिवर्सली सेम है अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्ट यानी किसी भी कल्चर में सेम होता है चाइल्डहुड चलो देखिए यहां पे एक तो हमसे चाइल्डहुड स्टेज के बारे में नहीं पूछा कि दो से बारह साल की बात हो रही है यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड की बात हुई है बचपन के संप्रत के बारे में बात हुई है स्टेज ऑफ चाइल्डहुड के बारे में बात नहीं हुई है है ना स्टेज तो हमने यूनिफॉर्म ही बनाई हुई है दुनिया के हर कॉन्टेक्स में कि चाहे अफगानिस्तान का बच्चा हो श्रीलंका का बच्चा हो है ना साउथ अफ्रीका का बच्चा हो अमेरिका का बच्चा हो हिंदुस्तान का बच्चा हो कहीं का बच्चा हो चाइल्डहुड क्या है दो से बारह साल होता है अर्ली चाइल्डहुड है दो से छह वर्ष छह से बारह है लेटर चाइल्डहुड एडोलेसेंस बारह से अट्ठारह होता है डब्ल्यू के अकॉर्डिंग दस से उन्नीस होता है ये सब हम जानते हैं लेकिन यहां पे स्टेज नहीं पूछा स्टेजेस तो यूनिवर्सल है चाइल्डहुड कह लीजिए या जो भी डेवलपमेंट की स्टेज है वो यूनिवर्सल है पूरी दुनिया में लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है बचपन के वो यहां गड़बड़ हो गई फिर ऑप्शन देखते हैं सेकंड अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस यानी समकालीन सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार एक सामाजिक उत्पाद है यानी जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं जिनमें से एक को हम बहुत अच्छे से जानते हैं की, है ना जो ये कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतकारों के अनुसार एक सामाजिक अवधारणा है आपका मेरे और आपके घर के बच्चों का बचपन की जो कॉन्सेप्ट है बचपन का चाइल्डहुड का वो 12 साल की उम्र में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मम्मी दूध दे दो और जो बच्चा रोड पे बलून या गुब्बारे बेच रहा है क्या उसका बचपन सेम है एज तो उसकी भी सेम है वो भी दो से बारह में आता है आपका बच्चा भी दो से बारह में आता है आपके घर का बच्चा दो से बारह में क्लास उठा के यहां से वहां रखने को तैयार नहीं है और वो बच्चा बसेस में बिना चप्पल के चढ़ करके यहां से वहां पहुंच जाएगा अपना खाना उसको कहां से क्या लेना है किन लोगों से बच के रहना है वो सब सीख गया तो एज तो बचपन नहीं कहला रही यहां पे बचपन का सम्प्रत्य सामाजिक हो गया सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया

दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न ईवल एंड ऐसा कोई नहीं कह रहा है यहाँ पे ये पुरानी बातें थी कि बच्चे, बच्चे बुरे, बुरे पैदा होते हैं उनको ठीक करना होता है दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड कैरेक्टर शेप्ड एंटायरली बायवायरमेंट ये बिहेवियरिस्टिक बात है व्यवहारवादी तत्व है टैबुल रासा जैसे कि जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चा क्या है खाली बर्तन है खाली तख्ती है उसमें भरना है ज्ञान जबकि ऐसा नहीं है बच्चे ज्ञान के एक्टिव कंस्ट्रक्टर हैं सक्रिय निर्माता हैं ठीक है ना यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कल्चर का फर्क पड़ता है बचपन पे भी और यहां पे स्टेज की बात नहीं हो रही स्टेज सेम है यूनिवर्सली डिफरेंट है तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन पर और इसमें कई लोगों को यह लग सकता है अरे सीडेट ने गलत जवाब दे दिया होगा जब आप पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट के बारे में तो आप ये जानेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है ठीक है ना क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए अब क्वेश्चन धीरे धीरे बनते जाएंगे अच्छे द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस इज अनुभूति और भावनाओं के बीच संबंध या अनुभूति नहीं कहेंगे इसको संज्ञान कहेंगे ट्रांसलेशन की गड़बड़ है संज्ञान और संवेग के बीच अंतर भावनाएं भी लिख सकते हैं बट ज्यादा टेक्निकल भाषा इसकी संज्ञान एवं संवेग के बीच संबंध है क्या है भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ फटाफट से कॉग्निशन एंड इमोशन एक क्वेश्चन हर बार आता ही है ना में है हर बार आता है और बारीटेट का का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है है से से ना आता हो हिंदी क्लास भी कराएंगे भाई फटाफट बताओ डेढ़ किया ग्यारह लोग बताते हैं ये मुझे ही दिख रहा है हजार लोगों, लोग तो है? है लोगों ने भी लाइक किया चलिए बहुत बहुत बढ़िया देखिए एनर्जी बनी रहनी चाहिए ऐसा नहीं है अब समय ज्यादा है नहीं तो मस्त पढ़ाई करेंगे अभी भी आप शुरू कर रहे हैं तो अच्छे से पेपर कर सकते हैं क्लियर क्लियर करने हैं हैं कॉग्निशन एंड इमोशन कितने लोग लोग क्या कह रहे डी ऑप्शन बाई डायरेक्शनल है ठीक तो है बढ़िया है मैं तो डर गई थी मैंने गलत जवाब दे दिया चलो ठीक है मेरे को लगा इतने आसान क्वेश्चन का गलत जवाब कैसे दे सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एक व्यक्ति है जिजोंक जब तक उनका नाम ना लिखा हो तब तक आप ये नहीं मानेंगे

एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं आप अच्छे से आपका दिमाग भी काम करता है आप अच्छे से काम भी करते हैं अगर आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है आप अच्छा महसूस भी करते हैं दोनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं है ना अगर आप बहुत ज्यादा फेज में है बहुत दुख है आपके जीवन में कोई घटना घट गई है है ना ईश्वर नगर करे बट किसी क्लोज की मृत्यु हो गई है कोरोना में हमने देखा आसपास तो क्या आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से काम करता है थिंकिंग किसका पार्ट है कॉग्निशन का संज्ञान का दिमाग का वो वो थिंकिंग भी आपकी अच्छे से काम नहीं करती यदि इमोशन हिले हुए हो तो ठीक है ना तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो यूनि डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल का होता है सिंगल डायरेक्शन इमोशन ही इन्फ्लुएंस करते हैं कॉग्निशन को उल्टा नहीं है कि भावनाएं अनुभूति को या संज्ञान को प्रभावित करती है बट संज्ञान नहीं प्रभावित करता ऐसा नहीं है दोनों करते हैं एक दूसरे को अगेन ऐसा नहीं है कि कॉग्निशन करता हो इमोशन को दोनों करते हैं तो ये बाई डायरेक्शनल है द्विदिशात्मक है दोनों के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया है अ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ इमोशंस कॉग्नेशन को कॉग्निशन इमोशन को ठीक है दिल दिमाग को दिमाग दिल को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन ये क्वेश्चन भी बहुत आता है घुमा फिरा के इन्हीं शब्दों में क्वेश्चन नंबर टेन पढ़िए और फटाफट से जवाब दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं जैसे जैसे हम बैच में पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगी पर्सनल फैक्टर्स होते हैं एक तो और दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स लर्निंग को अफेक्ट यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में अभी प्रभावित करने वाले कारक नेगेटिव भी नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं और पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं हमको ठीक है ना डिपेंड करेगा कारक कैसा है अगर एनवायरमेंट अच्छा है एनवायरमेंट अच्छा इवन एक पानी तक की बात करें अगर ये पानी साफ है तो यही हमें पॉजिटिवली हमारी बॉडी को अच्छे से दिमाग को अच्छे से ऑक्सीजन दे पाएगा चीजें कर पाएगा और यही पानी अगर खराब है तो ये हमें नेगेटिवली भी अफेक्ट कर देगा चार बीमारियां हो जाएंगी इसी तरह से हर एक फैक्टर का यही हाल है कि वो पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों से कर सकता है डिपेंड करेगा आपको कैसा मिला है वो फैक्टर तो यहां पे पर्सनल फैक्टर्स वो होते हैं जो बच्चे से जुड़े होते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो एनवायरमेंट का रोल जिनमें ज्यादा रहता है जैसे इंटरेस्ट बच्चे का जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट छात्र का हित क्या है ये पर्सनल फैक्टर व्यक्तिगत कारक में आएगा दो प्रकार के फैक्टर है पर्सनल और एनवायरमेंटल तो ये व्यक्तिगत कारक है लेकिन ये इंपैक्ट करेगा भाई बच्चे का इंटरेस्ट है किसी चीज को सीखने में या नहीं ये इंपैक्ट करेगा कि वो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता आप को, कितनी भी कोशिश कर लू मैं नहीं सिखा सकती है ना या कोई भी नहीं सिखा सकता है ना वो कहा जाता है ना हिंदी में कहावत है भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब इंटरेस्ट नहीं है अब उस चीज में मतलब वो अलग ही कहानी है लेकिन बस समझने में आपको समझ में आ गया होगा इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट बच्चे की इमोशनल हेल्थ ये भी बच्चे से जुड़ा हुआ कारक है तो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या आप सीख पाएंगे दिक्कत होगी आपको है ना अगर बहुत जिद है तो सीख लेंगे लेकिन दिक्कत तो होगी तो ये भी प्रभावित करेगी अच्छी हेल्थ है तो अच्छे से सीखेगा बच्चा इंटरेस्ट अच्छा है तो अच्छे से सीखेगा कम है तो कम सीखेगा पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज ये एनवायरमेंटल कारक है पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज पेडागोजी क्या होती है साइंस ऑफ टीचिंग या साइंस ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग भी कह सकते हो आप इसको दोनों ही कहते हैं साइंस या आर्ट ऑफ टीचिंग की शैक्षणिक रणनीतियां आपका करिकुलम कैसा आपके टीचर के मेथड्स कैसे हैं पढ़ाने के तो एक टीचर का आपको फटाफट समझ में आ जाता है कितने लोग हमें मिलते हैं आज भी बैच में कई लर्नर्स कह रहे थे कि पेडागोजी अब समझ में आनी शुरू हुई है आज तक सिर्फ नाम सुना था आपका आप मजा आ रहा है पढ़ने में तो ये बातें कहां से आती है शायद पेडोलॉजिकल ये मैंने थोड़ी बनाई है प्याजे की थियोरी या मैं थोड़ी ना लेकर के आई हूं पहले से एग्जिस्ट करता था पूरा सिलेबस लेकिन वो मेरे वेज हो सकते हैं जो आपको टीचिंग स्किल्स पसंद आती हैं है ना तो ये क्या हुआ पैडोलॉजिकल स्ट्रेटजीज तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ना भी समझ आती हूँ भाई किसी को किसी, किसी और टीचर समझ में आता हो तो ये क्या पेडोगॉजिकल स्ट्रेटजीज का भी प्रभाव पड़ता है कि आपके टीचर अगर हमें अच्छा टीचर मिल जाए आपने देखा होगा स्कूल में भी मेरे को याद है अच्छे से एट तक मेरी साइंस बहुत अच्छी हुआ करती थी और नाइन्थ में हमारी टीचर चेंज हुई सिर्फ उन्हीं पर मैं नहीं डाल रही हूँ उसमें मेरा भी रोल रहा होगा लेकिन जो इंटरेस्ट था अगर अच्छा टीचर मिल जाए तो बुरे से बुरे सब्जेक्ट में मजा आ जाता है जो हमें लगता है 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 सो कॉल्ड के बुरा सब्जेक्ट ठीक ना तो स्ट्रेटजीज भी इंपॉर्टेंट है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट बच्चा किस समाज और संस्कृति से आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है अगर बच्चा सुबह रोज उसको पढ़ने के लिए इतनी लड़ाइयां करनी पड़ती हैं घर वाले भेजते नहीं है कहते हैं तुम तो लड़की हो क्या करोगी पढ़ के या सुबह घर में झाड़ू पहुंचा सारे काम तुम करके जाओगी और तब पढ़ो तो अगर किस समाज किस संस्कृति किस स्ट्रेटा से आ रहा है ये सारी चीजें प्रभावित करती है ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर का हिस्सा तो ये चार ऑप्शन दो बता दिया दो पर्सनल फैक्टर का है और दो एनवायरमेंटल फैक्टर का है जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा बट आपको पता होगा कि पर्सनल फैक्टर कौन सा होता है एनवायरमेंटल कौन सा होता है तो ये चारों बातें सही है डी ऑप्शन और आप में से 86 परसेंट लोग सही जवाब दे रहे हैं चारों ही चीजें बच्चे के लर्निंग को उसके सीखने को प्रभावित करेंगे चाहे वो नेगेटिवली करें चाहे पॉजिटिवली करें अच्छे फैक्टर होंगे तो अच्छे से करेंगे नेगेटिव होंगे तो नेगेटिवली करेंगे अच्छी टीचिंग स्ट्रेटजीज या पेडलॉजिकल स्ट्रेटजीज होंगी तो बच्चा अच्छा सीखेगा खराब होंगी तो खराब सीखेगा दोनों तरह से प्रभावित कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिएगा डैश आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज आसान सवाल है डैश ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है कंस्ट्रक्टिविज्म से खूब क्वेश्चन आते हैं क्योंकि प्याजी बाइगोस और कंस्ट्रक्टिविज्म ये तीनों जुड़े हुए हैं आपस में ठीक है जी तो अगर हम बात करें सेवेंटी फोर परसेंट लोग सही उत्तर दे रहे हैं फटाफट से आगे बढ़ते हैं सोशल इंटरक्शन आर एन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन यानी सार्थक निर्माण या हम ये कहेंगे मीनिंग मेकिंग मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन मतलब वो ज्ञान जो हमें समझ में आए जो कोई मीनिंग हो जिसका हमारे लिए सार्थक हो वो सोशल इंटरेक्शन से जैसे मैं और आप मिलकर के अभी डिस्कशन कर रहे हैं तो ये भी एक सोशल इंटरेक्शन का पार्ट हो गया चार बच्चे ग्रुप में मिलकर के डिस्कशन कर रहे हैं सामाजिक अंत अन, क्रिया या अन्योन क्रिया आप कहीं एक फील्ड विजिट पे गए वहां बच्चे जाकर के देख रहे हैं साइंस म्यूजियम में लोग बता रहे हैं बात कर रहे हैं चीजें जान रहे हैं तो वो बेहतर तरीके से मीनिंगफुल लर्निंग होती है रटना नहीं होता वो अदरवाइज ड्रिल एंड रेपिटेटिव रिकॉल तो रटन विद्या है कि आपको किसी का नंबर याद करना है आप रट्टे लगाए जा रहे हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में डर और लालच से काम होता है ये भी अच्छा नहीं है स्ट्रीमलेस रिस्पॉन्स है कि तुमको ये मिलेगा इसलिए ये कर लो तो ये काम के नहीं है सोशल इंटरेक्शन बच्चा एक्टिव रहेगा इसमें बाकी तीनों में बच्चा एक्टिव नहीं है वो रट्टे लगाता हुआ मिलेगा क्वेश्चन नंबर देखिए फटाफट से अच्छा सवाल है ध्यान से पढ़िएगा इसमें गड़बड़ आप लोग करेंगे मैंने कहा था शुरू के जो दस सवाल है, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करने है वॉर्मअप आज के लिए इनफ हो गया अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा फटाफट से सवाल करो थोड़ा सा पानी पी लिया जाए माइ फर्स्ट लाइव क्लास बहुत बढ़िया वेलकम है जी आपका लर्न पे शाम को नौ बजे डेली मिल रहा है एटलीस्ट मंडे टू सैटरडे हमनेशा हमारे साथ हैं तरह तरह की मुंह बना रही है देखिए पानी मत गिरा देना देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जवाब के दे रहे हैं आप लोग सेवेंटी एट परसेंट लोग ए कह रहे हैं चलिए समझते हैं कहानी क्या है पानी थोड़ा सा ही पीजिएगा आप अरे नहीं यार बोलते बोलते ना बहुत देखिएगा आइडेंटिफाई द बेस्ट देशल ऑफ लर्निंग एट द एज ऑफ टेन टू ट्वेल्व ईयर्स दस से बारह वर्ष की आयु में सीखने का सर्वोत्तम उदाहरण पहचानना है ना बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग पहला ऑप्शन है चाइल्ड विल हैव द लॉन्गेस्ट अटेंशन स्पेन यानी बच्चे की ध्यान अवधि सबसे लंबी होगी यानी ज्यादा देर तक ध्यान लगा पाएगा चलो ठीक है चाइल्ड इज कोऑपरेटिव विद अदर्स दस से बारह साल पता है आपको गैंगेज कैसे कहते हैं इसे छह से, से बारह वर्ष की अवस्था जहां बच्चा ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करेगा हाँ कोऑपरेटिव होगा सहयोग करेगा एक दूसरे का ग्रुप में रहेगा चलो अटेंशन की अवधि ज्यादा होगी कि कम होगी इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं अभी समझेंगे क्या कहानी है ठीक है ना आगे बढ़ेंगे क्लमजी मोटर स्किल्स यानी खराब गत्यात्मक कौशल चलने फिरने दौड़ने भागने में दिक्कत होती है जबकि इस स्टेज में तो उल्टा बच्चा स्पोर्ट में स्पोर्ट्स में एनरोल होना शुरू करता है उसको पसंद होता है खेलना कूदना दौड़ना भागना मोटर स्किल्स तो उसकी अच्छी होती है तो ये तो गलत हो गया भाई दस से बारह साल की उम्र में बच्चा दौड़ना भागना कूदना सारी चीजें करेगा नॉट इंटरेस्टेड यही तो वो एज है जहां पर आप जितने भी आप ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स पर्सन देखेंगे कम एज से शुरू करते हैं और ये इंपॉर्टेंट एज है छह सात आठ के बाद से नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज ऐसा किसने कह दिया कि दूसरी भाषा सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा इवन हम देख रहे हैं चाइल्ड हुड तक तो अच्छा रहता है कि अडल्ट सेंस में जाकर के थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है दूसरी भाषा को सीखने में तो ये बात भी गलत है तो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड हमारे पास सही ऑप्शन है और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पर सिर्फ हम सेकेंड को चूज कर पाए है ना तो हम सिंपली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड ए ऑप्शन जो कि आप लोग दे भी पा रहे हैं ठीक है जी तो अगर हम बात करें यहां पर चाइल्ड विल हैव द लॉन्गेस्ट अटेंशन स्पेन भाई सहयोग वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि गैंग एज है जिसको हम समूह अवस्था कहते हैं यहां पे लॉन्गेस्ट अटेंशन स्पेन का क्या खेल है कि बच्चे की ध्यान अवधि सबसे लंबी होगी इसका मतलब यहां पर यह है कि आज तक की एज में 10-12 साल से पहले जितनी भी रही होगी उस एज में 10-12 साल में पीक होगी बाकी अगर 10 साल से पहले देखें तो इससे कम रही होगी जितनी 10-12 साल की उम्र में ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं बढ़ेगी लॉन्गेस्ट अटेंशन स्पैन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे बढ़ के अभी इस टाइम पे 20 से 25 मिनट होता है आई थिंक और बाद में जाकर के वो 35 से 42 48 मिनट तक भी जाता है आप देखते हैं पीरियड्स जो हैं बड़ी क्लासेस के वो 40 40 मिनट के होते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब खत्म हो जाएगी बढ़नी जो अटेंशन स्पेन है ध्यान लगाने की अवधि है बट एक छह साल के बच्चे से तो ज्यादा ही होगी ना अटेंशन स्पैन एक दस साल के बच्चे की तो उस सेंस में ये बात कही गई है तो इसलिए ए ऑप्शन सही है पहली और दूसरी दोनों बातें सही है थर्ड और फोर्थ गलत है एक और क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से जवाब दीजिएगा आसान सवाल है तो एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट या फिर मैं यहां लिख दूं वोकेशनल एंग्जाइटी मतलब क्या हुआ विकास के किस चरण में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है या व्यावसायिक दुश्चिंता सताती है बताइएगा पहला ऑप्शन है ओल्ड एज ओल्ड एज में तो व्यवसाय करो ना करो अब जीवन में बचा ही क्या है अब तो आराम करना है रिटायरमेंट के समय में कौन व्यवसाय की चिंता करेगा भाई कि क्या काम करूं कौन से करियर में जाऊं है ना अब तो जीवन में ही जाने की ज्यादा संभावना बची नहीं है और करियर की बात करेंगे हम हालांकि आज के समय में चीजें बदल रही हैं लोग कभी भी कुछ भी करते हैं बट जनरली वोकेशनल एडजस्टमेंट मतलब हमें किस तरफ जाना है ये आप ओल्ड एज में थोड़ी सोचते हैं अब ये मत कह देना हर एज में कभी भी सोच सकते हैं फिलोसॉफिकल नहीं होना है डेवलपमेंट के कॉन्टेक्सट में समझना है एडोलेसेंस की अगर हम बात कर रहे हैं यानी बारह से अट्ठारह वर्ष ये आपके साठ साल प्लस की बात हो रही है ओल्ड एज ठीक Childhood दो से बारह वर्ष कौन सा दो से बारह वर्ष का बच्चा पहले वोकेशन की सोचेगा भाई है मतलब सोचना नहीं चाहिए कायदे में स्कूल में एक्टिविटीज में इन सब में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा वोकेशन मेन मुद्दा नहीं रहता कि क्या करोगे अब आगे करियर काउंसलिंग भी आप देखते हैं इलेवन ट्वेल्थ में जो है जनरली देखने को मिलती है ज्यादातर तो किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज है जो जहां पे वोकेशनल एंग्जाइटी है वोकेशनल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है कि आपको जीवन में किस तरफ जाना है साइंस लेनी है ये सब भी खैर इस बार से तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी खत्म कर रही है बट आपको जीवन में करना क्या है डॉक्टर बनना है फलाना बनना है ढिकाना बनना है जो भी करना है वोकेशन में काम क्या करना है व्यवसाय किस तरफ जाएंगे आप ये एडजस्टमेंट एडोलसेंस में सबसे ज्यादा इस चीज को इंडिविजुअल फेस करता है इनफेंसी तो जन्म से दो वर्ष की अवस्था है कहां बच्चों को पैदा होते हैं इसमें डाल दिया तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर जो कि सेवेंटी लोग सही दे भी रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है पढ़ के देखिए द कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू व्हिच टाइप ऑफ डेवलपमेंट यानी एकाग्रता एवं रचनात्मकता का संबंध किस प्रकार के विकास से है ये मैंने बैच में भी कराया था अभी कल हम पढ़ रहे थे जब डेवलपमेंट के प्रकार फटाफट पट से बताओ एकाग्रता एवं रचनात्मकता का संबंध किस प्रकार के विकास से है कंसंट्रेशन यानी ध्यान देना जब आप पढ़ के ये ध्यान देकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कंसंट्रेशन पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है एंड क्रिएटिविटी कुछ नया कुछ डिफरेंट करना जैसे मैं कोई भी टेढ़ा मेढ़ा दे देती हूं तो वो मेरी क्रिएटिविटी हुई है ना कुछ नया क्रिएट करना क्रिएटिविटी है तो क्रिएटिविटी और कॉन्सेंट्रेशन किससे संबंधित है किस प्रकार के विकास से विकास के तीन मुख्य प्रकार हैं जिसको हम चार कह देते हैं पीसीएसई फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल इमोशनल सीआरटी में सोशल इमोशनल एक साथ आते हैं इसलिए अगर कोई पूछे कितने प्रकार है हम कहेंगे तीन लेकिन नाम जो है वो चार आपको याद रहने चाहिए फिजिकल फिजिकलटिव सोशल और इमोशनल डिपेंड करता है ऑप्शन कैसा दिया है चार भी लगा सकते हो तो ये जो किस प्रकार के अंदर ये में से किस प्रकार प्रकार के के अंदर अंदर आएगा आएगा ये में से सी ऑप्शन पीसीएसेंट लोग दे पा रहे हैं जवाब इकतीस परसेंट लोग इतने आसान सवाल में भी गड़बड़ कर जा रहे हैं भाई कॉन्सेंट्रेशन कहा हाथों से करोगे कॉन्सेंट्रेशन दिमाग से क्रिएटिविटी कुछ नया कहां से क्रिएट करोगे हाथों से भी तब करोगे जब दिमाग में आइडिया आया होगा दिमाग की बत्ती जलेगी तो क्रिएटिविटी दिमाग से जुड़ी हुई है कॉन्सेंट्रेशन दिमाग से जुड़ा हुआ है और दिमाग का विकास किससे जुड़ा हुआ है डेवलपमेंट कहते हैं उसको सिंपल सी बात है बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इसको आप कह लीजिए या फिर आप इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह लीजिए चाहे आप इसको डेवलपमेंट ऑफ मेंटल स्किल्स या मेंटल डेवलपमेंट कह लीजिए चाहे आप इसको इंटेलेक्ट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कह लीजिए कितने सारे नाम बता दिए मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था ना तो ये क्या है बौद्धिक विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो बौद्धिक विकास से संबंधित है या कॉग्नेटिव डेवलपमेंट से संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है जिसकी बात प्याजो और वाइगोस की करते हैं कॉन्सेंट्रेशन हुआ इवन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किस प्रकार से संबंधित है कॉन्सेप्चुअल यानी कॉन्सेप्ट कहां बनते हैं संप्रत्य आपसे अगर ये कहा जाए कि पानी के बारे में बताइए तो ये भी तो एक कॉन्सेप्ट होगा ना आपके दिमाग में दिमाग में होगा हाथों में होगा दिमाग में होगा तो कॉन्सेप्ट भी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट में या मेंटल डेवलपमेंट में बनते हैं यह क्वेश्चन भी आया हुआ है यह क्वेश्चन भी आया हुआ है और हर बार कॉगनेटिव डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आते ही हैं तो कॉन्सेप्ट कहां बनते हैं दिमाग में कॉग्नेटिव डेवलपमेंट क्या है तो मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का डेवलपमेंट है तो बातें आपको शब्द घुमाए जा सकते हैं भावनाओं पे जाना है कि पूछा क्या है मॉरल डेवलपमेंट सही और गलत होता है सोशल डेवलपमेंट समाज में कैसे रहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट आपकी भावनाओं पर कंट्रोल तो यहाँ पे बौद्धिक विकास से ही आप दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ नया करते हैं और कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा अब आपके फेवरेट क्वेश्चंस आने शुरू हो गए जिस तरह के क्वेश्चंस चार से पांच क्वेश्चन आपको तीस में से मिलते ही हैं जैसा कि पिछले दो सालों में हम देख रहे हैं तीन सालों में हम देख रहे हैं जो पैटर्न है जो ऑनलाइन पेपर पहली बार हुआ फिर दूसरी बार हुआ और इस बार के ऑफलाइन में भी खूब भर भर के क्वेश्चन आजर्शन और रीजनिंग वाले हैं और इनसे आपको लगता है डर जो हम मिटा देंगे ठीक है ना शाहीन शाहीन बानो ठीक चलिए भाई एक मैराथन क्लासेस वंस अभी से अभी तो मैं नॉर्मल नहीं ले पा रही हूँ और बड़ी ही होंगी क्लासेस एक डेढ़ घंटे क्लास तो होती है कम से कम निशा मैम पोल दे दिया आपने बहुत बढ़िया लोग लिख रहे हैं क्योंकि 40 परसेंट लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं 38 परसेंट जो है 41 परसेंट मतलब सी और डी में आप कन्फ्यूज हैं चलिए देखते हैं क्या कहानी है देखते हैं देखते हैं पानी, सब तो लगा ही हुआ है देखिएगा एक बार अगर हम बात करें डी ऑप्शन का कह 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 रही 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 थी 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 आप लोगों को नहीं बहुत ही खराब जोक था पीजे था बट कोई बात नहीं बर्दाश्त कीजिएगा स्टेटमेंट है, है स्टेटमेंट क्या है टीचर्स शुड नॉट क्रिएट प्रिंट रिच एनवायरमेंट इन दी एलिमेंट्री क्लासरूम्स ये क्वेश्चन आपको हिलाएगा इसमें गड़बड़ सब कर रहे हैं शिक्षकों को प्रारंभिक कक्षाओं में प्रिंट समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए कौन सी प्रारंभिक इसको इंग्लिश में जरूर पढ़ लो एक बार एलिमेंट्री क्लासेस एलिमेंट्री क्लासेस सिक्स टू एट्थ वाली क्लासेस प्राइमरी नहीं लिखा है प्राइमरी लिखा होता तो कहानी दूसरी हो जाती रीजन क्या है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस इन बॉर्न एबिलिटी कौन कह रहा है बाबा नॉम चॉम्स की भी कह रहे हैं कि हाँ भाई आंतरिक क्षमता होती है भाषा विकास की नॉम चॉम्स की ठीक है जी तो ये बात तो ट्रू है ये बात तो ट्रू है और कुछ हद तक हम कह सकते हैं की या उससे भी पहली जो छोटी क्लासेज हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की वहां पर पूरी दीवारें रंगी हुई रहती हैं आपका जो किताबें हैं वो भी ज्यादा रंग बिरंगी होती हैं छोटे बच्चों की जैसे जैसे आपकी क्लास बड़ी होती जाती है कम रंग आपको नजर आते हैं या थोड़ी इंटरेक्टिव कम हो जाती है प्रिंट रिच एनवायरमेंट की जरूरत छोटे बच्चों पर ज्यादा बातें साथ नहीं जा रही है ये कुछ और कह रहा है ये कुछ और कह रहा है दोनों अपने आप में सही है लेकिन एक दूसरे के लिए सही नहीं है समझ पा रहे हो ना भावनाओं को ठीक है ना तो इसलिए ब्रेकअप होगा और ब्रेकअप में क्या आएगा कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए साथ में अच्छे नहीं लग रहे वैसे अलग अलग अच्छे हैं, ठीक है ना ये बात भी सही है ये बात भी सही है, लेकिन एक दूसरे के लिए सही नहीं है ये इसका रीजन सही नहीं है, समझ पा रहे हो ना तो बोथ एंड दोनों गलत हैं दोनों गलत नहीं है A is true, but R is false, ऐसा भी नहीं है दोनों सही है अपनी अपनी जगह लेकिन ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन R, का सही स्पष्टीकरण नहीं है ये तो शिक्षकों को प्रारंभिक देखो हिंदी में मत पढ़ो इसको हिंदी में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वो आपकी बात फिर सही लगेगी ये प्राइमरी क्लास की बात नहीं हो रही एलिमेंट्री क्लास की बात हो रही अगर प्राइमरी होता तो पक्का फिर तो ए गलत हो जाता और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इनबॉर्न एबिलिटी है ये भी मान रहे हैं जनजात क्षमता होती है बच्चे में विकास की भाषा विकास की ये नॉम चौम्स की कहते ही है तो इसका आंसर जो है बी है इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का प्रश्न नंबर सिक्सटीन है ध्यान से पढ़िएगा इसमें भी गलती हो जाएगी नहीं तो अजर्शन क्या है बॉयज एंड एंड गर्ल्स लर्न टू बिहेव इन जेंडर वेज बाय ऑब्जर्विंग इमिटेटिंग सेम सेक्स यानी लड़के और लड़कियां समान लिंग वाले वयस्कों को देखकर और उन्हें सीमित करके सीमित नहीं होगा यहां पे ये यह होगा नकल करके उनकी इमिटेट करके उनका अनुकरण करके उनकी नकल करके लिंग के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं या जेंडर के अनुरूप कि कैसे मतलब अगर मैं लड़की हूं तो मैं अपनी बहन को देखूंगी वो कैसे रहती है और मैं भी वैसा ही व्यवहार करने लगूंगी मैं अपनी मदर को देख सकती हूँ वैसा ही व्यवहार करने लगूंगी कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं कैसे बाल रखते हैं कैसे बोलते हैं वट तो सेम सेक्स के इंडिविजुअल्स को देख करके लोग लड़के और लड़कियां जो है बिहेव करना सीखते हैं कोई अगर बॉय है तो वो अपने पिताजी को अपने भाई को अपने दोस्त को देख करके वैसा कपड़े पहनना वैसे स्टाइल रखना या अपने मूवी के फेवरेट एक्टर को देख करके अगर वो सेम सेक्स का है तो लड़कियां हीरोइंस को हीरोइन तो क्या ही कहें एक्ट्रेस को फॉलो करती हैं लड़के जो हैं वो एक्टर्स को फॉलो करते हैं है ना तो सेम सेक्स को से हम जेंडर को कैसे रहना है ऑब्जर्व करके हम इमिटेट करते हैं नकल करते हैं है ना तेरे नाम मूवी आई सब वैसा हेयर लग गए एम एस धोनी को बहुत लोग फॉलो करते थे जब मैं छोटी थी दो हजार चार पांच में है ना तो ये क्या है ये ट्रू है ये बात सही है ऐसा होता है सही है गलत है वो अलग चीज है रीजन क्या है इसका जेंडर इज अ प्योरली बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट यानी जो जेंडर है लिंग है एक विशुद्ध जैविक संरचना है या पूरी तरह से जैविक संरचना है मतलब इसको लिंग लिखी लीजिए या फिर जेंडर भी लिख सकते हो वैसे हिंदी में लिंग ही लिखा जाएगा लेकिन इंग्लिश की साइड देख लेना कि जेंडर लिखा है कि सेक्स लिखा है नहीं तो हिंदी में ये बात गलत हो जाएगी जबकि आपको इंग्लिश की तरफ देखना है ये लोग सिंपल सिंपल ऐसा किया है कि लिंग लिखा हुआ है हिंदी में जेंडर को भी और सेक्स को भी लेकिन आपको इंग्लिश की तरफ देखना पड़ेगा इस केस में जेंडर इज अ प्योरली बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट ये गलत लिख दिया अगर यहां सेक्स लिखा होता तो हम कह देते कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है प्योरली जबकि जेंडर प्योरली बायोलॉजिकल नहीं है हम जब पढ़ते हैं आपके पेपर की दृष्टि से तो जेंडर जीएस है जीएस बोले तो जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर क्या है सोशल कंस्ट्रक्ट है लो एक बार लिख लेते हैं जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट इज सोशल कंस्ट्रक्ट बोले तो जीएस सोशल कंस्ट्रक्ट यानी सामाजिक संरचना है समाज ने बनाया है कि लड़के ऐसी ऐसे कप, कपड़े पहनेंगे लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी है ना ये क्या है समाज ने बनाया जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है सामाजिक संरचना है जब बात जेंडर की हो रही हो तो सामाजिक संरचना है जी एस जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट ठीक वहीं सेक्स की अगर हम बात करें तो ये एस बी है यानी सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट बायोलॉजिकल यानी हमारी बायोलॉजी डिफरेंट है महिलाओं और पुरुषों की ये सेक्स है जबकि आप काम क्या कर रहे हैं वो तो पुरुष भी खाना बना सकते हैं महिला भी वो तो समाज ने बना दिया तो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट हालांकि अगर देखा जाए तो जो जेंडर है वो भी प्योर बायोलॉजिकल नहीं है या प्योर अगर हम देखा जाए तो उसमें बायोलॉजी सोशल एस्पेक्ट आपका आइडेंटिफिकेशन आपको कैसा महसूस होता है बहुत सारे तत्व हैं लेकिन आपके पेपर के लिए सोशल कंस्ट्रक्ट तक ठीक है वो ज्यादा डीप हो जाएगा जिसकी आवश्यकता आपको नहीं है तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट और सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट एस बी जी एस और एस बी अगर जीएस से याद रख लोगे तो आपको अपने आप लग जाएगा जी एस मतलब जेंडर क्या है सोशल है तो इसका उल्टा क्या होगा सेक्स तो वो बायोलॉजिकल बन जाएगा ठीक है सिंपल फंडे है तो यहां पे बी जो आर ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है तो आर इज फॉल्स ए सही है क्या हाँ ए तो सही है तो बोथ तो नहीं फॉल्स होंगे बोथ नहीं होंगे ट्रू ट्रू ए इज इज बट आर फॉल्स सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ए कौन दे रहे हैं यहां पे जवाब कौन से कौन से सस्ते नशे भाई ये फोर्टी परसेंट लोग ए कह रहे हैं कहा क्या पढ़ रहे हो भाई देखो लड़के और लड़कियां समान लिंग वाले वयस्कों को देख कर और उन्हें इमिटेट करके या नकल करके या उनका अनुकरण करके लिंग के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं कि लड़कियां कैसे रहती है मैंने अपने बहन से सीखा अपनी मम्मी से सीखा अपनी सहेली से सीखा ऐसा होता है समाज में ठीक है तो ये तो ट्रू है बात इसको फॉल्स कैसे कह देंगे हम लेकिन लिंग एक विशुद्ध जैविक संरचना यह कहना गलत होगा क्योंकि आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा जेंडर जेंडर लिखा है अगर सेक्स लिखा होता तो ये सही हो जाता तो इसका मतलब आर तो गलत हो गया तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है सच लिखा है उधर ट्रांसलेशन देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे इन लेव फटाफट से बताइएगा से भी इस बार क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन तो जरूर ही आता है एक एक क्वेश्चन लेकिन अब जो है पिछले कई बार से तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन ऐसे देने लग गए इन लेव लेवस्की थियोरी नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड एंड द अडल्ट डैश द जोन ऑफ दॉक्सिमल डेवलपमेंट के सिद्धांत में ज्ञान का निर्माण निर्माण बच्चे और वयस्क डैश समीपस्थ विकास के क्षेत्र द्वारा किया जाता है तो ZPD जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी वो दायरा जहां पे बच्चे का संभावित विकास संभव है जैसे मैं और आप अभी मिलकर के डिस्कशन कर रहे हैं आप सी टेट कर सकते हैं ये आपके अंदर इस चीज का पोटेंशियल है प्रॉक्सिमिटी है कि आपको अगर मदद मिल जाए तो आप सी टेट क्लियर कर लेंगे तीस में से तीस ले आएंगे सीडीपी में लेकिन आप खुद से हो सकता है पंद्रह सवाल सही कर पाते हो अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं हम समझ रहे हैं या बहुत बुरी स्थिति थी आपकी पांच सवाल होते थे आप बैच में हैं डेली क्लास हम पढ़ रहे हैं तो वो तीस पे भी पहुंच जाएगा कैसे आपको एक मोर नॉलेजेबल अदर चाहिए जो आपसे ज्यादा जानता हो उस, उस विषय में आपको हेल्प चाहिए और गाइड गाइडेंस से आप पहुंच जाएंगे आपके अंदर पोटेंशियल है तो ये मोर नॉलेजेबल अदर जो है कहां हेल्प देगा आपको जेड के अंदर तो विद इन जेड पीडी हेल्प मिलती है इस दायरे में मिलेगी हेल्प जिस दायरे में आपका सीखना संभव है आपको साइंटिस्ट बना देगा कोई पढ़ा करके करके आज के समय में में इस उम्र में, करके, तो वो आपकी क्षमताओं से भी बाहर है और वो गाइडेंस के भी बाहर है तो किसके भीतर वयस्क इसके अंदर एक तरह से हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन अडल्ट विद इन दी ये जो अडल्ट है वो कहां देगा आपको हेल्प वो देगा जेड पी के अंदर जेड पी के बाहर नहीं इसको हम वैसे समझेंगे beneath, ahead, नहीं, के अंदर, ये एक है जो आप खुद से कर सकते हैं जिसको एक्चुअल डेवलपमेंट कह देते हैं कई लोग देते हैं, बट वैगोस्की ने नहीं कहा बट ठीक है लर्नर कैन डू मैं कोशिश करती हूं कि मैं रिफ्रेन करूं अपने को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें आपको बताने से जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपके दिमाग में तो लर्नर कैन डू अनएडेड मतलब बिना हेल्प के जो चीज बच्चा खुद से कर सकता है तो यहां तो हेल्प की जरूरत ही नहीं है हेल्प की जरूरत कहां होगी इस दायरे में जहां वो गाइडेंस के साथ कुछ कर पाएगा तो गाइडेंस कहा मिलेगी विदिन दिस दायरा या फिर जो भी आप इसको पेरीफेरी है ना तो यहां पे आपको इस दायरे के अंदर जो आपके बस में है वहां हेल्प देनी है कि कुछ चीजें आप इंडिपेंडेंटली कर ले रहे हैं और ये जेडपीडी क्या है ये डिफरेंस है दोनों के बीच का जो आप खुद से कर सकते हैं और किसी की हेल्प से कर सकते हैं तो इस बीच में ही आपको मदद दी जानी चाहिए ये ऐसा दायरा जहां आप हेल्प से भी नहीं कर पाएंगे तो इस अन, इस दायरे के अंदर आपको हेल्प मिलेगी ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर है एटीन ज्यादा ही स्लो चल रही हूं मैं मुझे लग रहा है नहीं ठीक तो चल रहा है टाइम तो लगेगा यार तीस क्वेश्चन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है और बड़े गए नहीं थे <coughs> तबीयत खराब थी अभी भी बहुत अच्छी नहीं है बट अब हो पा रही है क्लास आपकी निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है पेपर के टाइम पर मैं जनरली नहीं जाती हूँ कहीं है ना देखिएगा तो यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स यानी डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शामिल नहीं है क्यों भाई डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए आप बच्चे को समझाने के लिए उसको सेंटर में रखिए जिस भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो ये तो हम हटा देंगे क्योंकि नॉट पूछा है हमसे एम्फेसिज एम्फेसाइज लर्निंग फ्रॉम एक्टिविटीज एक्सपीरियंस एंड प्लेफुलनेस हाँ बच्चा एक्टिव रहेगा यहां तो जहां बच्चा एक्टिव रहेगा वो तो चाइल्ड सेंटर्ड में आएगा लेकिन हमसे नॉट पूछा है एम्फेसिज ओनली ऑन कोर्स कम्प्लीशन विद स्ट्रक्चर्ड करिकुल यही गड़बड़ हो गई कि सारा ध्यान सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराने पर है यह सबसे खराब तरीका है कोर्स कंप्लीट हालांकि ये सच है बहुत हद तक ग्राउंड रियालिटी है हमारे देश में ज्यादातर स्कूल्स की हालत जो है ऐसी होती है कि टीचर्स पता नहीं इतने प्रेशर में रहते हैं बस कोर्स कंप्लीट हो जाए जबकि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है जो बाल केंद्रित शिक्षा है जो बच्चे के भले की बात करती है वो कोर्स कंप्लीशन पे नहीं बच्चे के दिमाग में गया कितना उस पर फोकस करेगी ठीक है ना तो एक्टिव पार्टिसिपेशन तो सही है लेकिन यही गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था नॉट लिखा था क्वेश्चन नंबर देखेगा फटाफट से जवाब दीजिएगा क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है फटाक से जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे निशा मैं उनको पानी नहीं पूछा आज आपने मेरी दूसरी बॉटल उनके पास रखी है बिल्कुल है ना इसलिए नहीं पूछा डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म यानी विकास एक समान है एक समान है बेसिकली एक साथ ही लिखा होना चाहिए कि डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होता है यानी सब में एक तरीके से डेवलपमेंट इज एंटायरली अनप्रिडिक्टेबल ये कहना तो गलत होगा क्योंकि कुछ हद तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट हाँ बात तो सही है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल जबकि उल्टा होता है जी है जनरल टू स्पेसिफिक है सामान्य से विशिष्ट की ओर है पहले बच्चा पूरे शरीर से रोता है बाद में सिर्फ दो आंसू इस को भी पकड़ेगा तो पूरे हथेली का प्रयोग करेगा आज डिस्कस किया था ना शाम में और बाद में सिर्फ दो उंगलियों से सॉरी एक उंगली और एक अंगूठे से पकड़ लेगा स्पेसिफिक जनरल टू स्पेसिफिक सामान्य से विशिष्ट की ओर ठीक है ना जबकि स्पेसिफिक टू जनरल कुछ नहीं होता डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म अब यूनिफॉर्म किस बारे में एक समान है एक समान कैसे हो सकता है स्टेजेस एक समान है लेकिन हम यही नहीं कह सकते डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं यूनिफॉर्म का मतलब हो गया सबके लिए एक जैसा तो स्टेजेस यूनिफॉर्म हो सकती है डेवलपमेंट एक जैसा नहीं हो सकता बेस्ट ऑप्शन है सी देर आर इंडिविजुअल इन डेवलपमेंट विकास में व्यक्तिगत तो विभिन्नताएं शामिल होती हैं कोई भी दो लोग पूरी तरह से सेम नहीं होते यूनिक होते हैं हर बच्चा सेम तरीके से नहीं सीखेगा ठीक है ना आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिएगा अगेन आपका फेवरेट सवाल क्या कहता है भाई ये ये मैं बाद में डाले हैं ये वाले क्वेश्चन ताकि आप घबरा ना जाए अजर्शन क्या है प्रोविजन ऑफ मिड डे मील इन स्कूल कैन एंश्योर बेटर न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का प्रावधान छात्रों के बेहतर पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकता है यानी जो हम दोपहर में खाना दे रहे हैं मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी जो एजुकेशन सॉरी जो मिड डे मील प्रोवाइड कर रही है सरकार कि भाई आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलता है कि आपको खाना मिलेगा ताकि बच्चे की न्यूट्रिशनल हेल्थ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे परिवारों से या ऐसी आर्थिक स्थिति से आते हैं कि ठीक से भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा और एक तो रीजन ये न्यूट्रिशनल हेल्थ अच्छी रहे दूसरा मिड डे मील से अटेंडेंस भी बेटर रहती है बच्चे इस बहाने स्कूल आते हैं क्योंकि खाना मिलेगा ठीक है ना तो अगर आपके वो कहा जाता है ना भूखे भजन ना हो गोपाला ले लो अपनी कंठी वाला मतलब ईश्वर का भी भजन नहीं कर सकते आप यदि पेट में खाना नहीं है तो ठीक है ना ज्ञान की बातें अच्छी लगती है जब पेट में रोटी हो

इंटर रिलेटेड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल सिंस ग्रोथ इज डिटरमाइंड ओनली बाई हेरिडिटी कि ग्रोथ तो सिर्फ हेरिडिटी से होती है जबकि आपको पता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों से होती है और एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ेगा ये कह रहे हैं एनवायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं है भाई कौन से नशे हैं भाई गलत है ये तो बात ठीक है ना तो ट्रू है ये लेकिन फॉल्स है ये क्या कह रहे हो सस्ते इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ये बात एकदम सही है तो सी ऑप्शन आप लोग भी सही जवाब दे रहे हैं एट्टी वन परसेंट लोग

ठीक है ना डिफिकल्टी है दोस्त बनाने में यानी सोशल इंटरेक्शन इनका अच्छा नहीं होता समाज में अच्छे से अच्छा महसूस नहीं करते ग्रुप में तो ये भी ऑटिस्टिक बच्चे का ही लक्षण है अटेंशन अच्छी है मतलब ये इंटेलिजेंट होते हैं ऐसा नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चा है तो वो सीख नहीं पाएगा या अटेंशन खराब वो एडीएचडी में होती है अटेंशन की ज्यादा दिक्कत ठीक है ना जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है डिस्ग्राफिया में लिखने से संबंधित दिक्कत होगी है ना डिस्लेक्सिया में पढ़ने से संबंधित दिक्कत होगी ऑटिज्म स्वालीनता है इसका सही जवाब आपने माय नेम इज खान देखी होगी आई थिंक इसी तरह का कोई तो डिसऑर्डर था उनको कि आप बार बार वो सेम चीज रिपीट करने लगते थे या सोशली जो है ऑकवर्ड हो जाते हैं बच्चे ज्यादा आसपास सराउंडिंग में अगर चेंज आ जाए रूम में भी बहुत ज्यादा चेंजेस इनको पसंद नहीं है ठीक तो है ना तो स्वालीनता यानी ऑटिज्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी में बच्चा ओवर एक्टिव होता है इंपल्सिव होता है ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर और अटेंशन उसका लो होता है जबकि अटेंशन यहाँ बच्चे का ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड देखेगा फटाफट से क्या कहते हैं क्या कहता है ये सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड हियरिंग यानी निम्नलिखित में से कौन सुनने में सहायता के लिए सहायक तकनीक का उदाहरण है यानी यदि हियरिंग इंपेयरमेंट वाला बच्चा आपकी क्लास में है तो कौन सा जो है वो हियरिंग इंपेयर बच्चे के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी होगी असिस्टिव मतलब आपने सुना होगा ना असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट या गूगल असिस्टेंट भी एक चीज है कि आप या सिरी की अगर हम बात करें तो गूगल असिस्टेंट को कह देंगे ओके गूगल फलानी चीज चला दो क्या गाना चला दो निशा का बर्थडे बता दो है ना या वॉटर वट एवर तो ओ, ओके गूगल अलार्म लगा दो तो ये क्या असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो गई हमारे लिए कि असिस्टेंट मतलब जो असिस्ट करे हमें हेल्प करते तो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे के लिए जिसको सुनने में दिक्कत है या हियरिंग के लिए सुनने के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उदाहरण कौन सा होगा जो सुनने में मदद करे सहायता करे सी ऑप्शन ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं एट्टी वन परसेंट लोग बहुत बढ़िया ब्रेल सिस्टम होता है किसके लिए जिस बच्चे को देखने में दिक्कत होगी विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए कि वो टच एंड फील करके पढ़ लेगा वॉकिंग स्टिक भी विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए होगी जिससे कि वो डायरेक्शन को आपने देखा होगा ना मूवीज में भी दिखाते हैं वैसे भी देखा होगा जिनको देखने में दिक्कत होती है बिल्कुल ब्लाइंड है तो उनको क्या है वो स्टिक का इस्तेमाल करके आइडिया लगा पाते हैं सरफेस का ठीक आई ग्लासेस आपके आई साइट के करेक्शन के लिए है कि अगर आपका नंबर कम या ज्यादा है तो आप आई ग्लासेस का यूज करते हैं करेक्ट कर की जा सकती है तो ये भी विजुअली इंपेयर्ड के लिए ही काम आएगा लेकिन ध्वनि विस्तारक की अगर हम बात कर रहे हैं या साउंड एम्पलीफायर की आपने देखा होगा कान के पीछे या कान के अंदर मशीन लगी हुई होती है ना कान में मशीन बुढ़ापे में भी लग जाती है धीरे धीरे लोगों को क्योंकि समय के साथ हियरिंग की पावर कम हो जाती है कई बार तो वो मशीन एम्पलीफाई करती है कि अगर मैं मान लीजिए एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी में बोल रही हूँ तो वो बढ़ा करके कान में जाएगी अम्मा मतलब दादी या नानी जो भी या कोई और बूढ़ा व्यक्ति है अगर तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं या वो बच्चा जिसको सुनने में तकलीफ है तो उसके कान में आवाज थोड़ी सी बढ़ करके जाएगी एम्प्लीफाई होगी तो उसको बेहतर से सुन पाएगी क्योंकि उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो कम है नॉर्मल से तो साउंड एम्पलीफायर हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड देखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड क्या कहता है भाई फोलोंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी रचनात्मकता के महत्वपूर्ण विशेषता पूछें ये तो सिंपल से सवाल है रचनात्मकता मतलब कुछ नया करना डायवर्जेंट थिंकिंग हाँ डायवर्जेंट थिंकिंग होता है दिशाओं में सोचना डिफरेंट सोल्यूशन या ऑप्शन सोच पाना ओरिजिनिटी मतलब मौलिक सोचना कॉपी नहीं करना किसी को फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी जैसे मैंने कितने सारे निमोनिक आपको ओरिजिनल दिए हुए हैं है ना जैसे एफ एफ ओ इवन -E, में देखती हूँ आप तो कुछ लोकल पब्लिकेशन है जो एस पी सी एफ प्याजे का बताया हुआ है आपको चार स्टेजेस होती हैं है ना और पता नहीं कितनी चीजें हैं जो आ, मैंने खुद से ही आपके सामने हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो मैं मेरा वो टीचिंग का स्टाइल है कि आप चीजें याद रख पाए तो ये इतने शॉर्ट फॉर्म्स हैं इतने निमोनिक्स हैं जो मैं सालों साल से बताते आ रही हूं तो अब तो चैनल्स पे तो अपने अपने या बहुत सारे टीचर्स हैं जो उसको यूज करते हैं कई लोग क्लियरली इसमें क्रेडिट देते हैं कई लोग उनको लगता है कि ये तो हमारा ही है है ना और कई किताबों में इवन वो चीज़ छपके आने लगी है मैंने देखा कुछ लोकल बुक्स में लेकिन ये चीज़ ओरिजिनली मैंने और आपने मिलकर के बनाई है चैनल पे अगर आप पिछले सात सालों में देखेंगे तो पुराने वीडियोस में भी आपको इतने सारे निमोनिक्स मिल जाएंगे ये मेरा तरीका है पढ़ाने का कि मुझे मजा आता है शॉर्ट फॉर्म्स से आपको चीजें याद रहती हैं पेपर में ठीक है ना तो हर एक टीचर का अपना एक स्टाइल होता है तो वो ओरिजिनल ओरिजिनलिटी हो गई उस आइडिया में या निमोनिक तो एक बेसिक फंडा भी है तो अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है लचीलापन है ना कि मल्टीपल आइडियाज आ रहे हैं एक काम नहीं कर रहा दूसरा करेगा कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी के जस्ट ऑपोजिट है तो शुरुआत के तीन तो ठीक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग कभी और चर्चा करेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है कि आप जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने अभिस सोच का इस्तेमाल किया है कन्वर्जेंट थिंकिंग का कि चार ऑप्शन से एक सही उत्तर पे आपको आना है यानी ऑप्शन से एक सही पे आना वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग डिसीजन मेकिंग इंटेलिजेंस का ही पार्ट है जेपी गिलफर्ड ने दोनों दिए थे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट जबकि डाइवर्जेंट में आप मल्टीपल ऑप्शन की तरफ सोचते हैं ओरिजिनलिटी होती है आइडियाज की तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फोर्थ सही नहीं है क्वेश्चन नंबर देखिएगा फॉर इफेक्टिव लर्निंग टीचर्स शुड एनश्योर दैट लर्निंग एक्टिविटीज यानी प्रभावी शिक्षण के लिए अच्छे शिक्षण के लिए टीचर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए पहला ऑप्शन है बिल्ड ऑन दी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड फर्दर इट छात्रों की पिछली समझ को विकसित करें और उसे आगे बढ़ाएं यानी प्रीवियस नॉलेज बात तो सही है पॉजिटिव है आर एम टू ओनली रिप्रोड्यूस नॉलेज फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक बस जो पुनः उत्पादन करा दें जो भी किताब में लिखा हुआ है उसके रट्टे लगवा दें रिप्रोड्यूस करा दें ये तो बेकार की बात है रटन विद्या हो जाएगी डी कॉन्टेक्सलाइज नहीं कॉन्टेक्टलाइज संदर्भ में समझाएं एक्जाम्पल को लाइफ से जोड़ करके न, ना कि अलग से रट्टा लगवा दें डेफिनेशन का डी कॉन्टेक्सलाइज नहीं करना आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड एबस्ट्रेक्ट नहीं इजी सिंपल बनाना है हमें वो टीचर है जो सिंपल बनाए अच्छा है ना लर्निंग एक्टिविटीज को या लर्निंग को सिंपल बनाए जॉयफुल बनाए छात्रों की पिछली समझ को विकसित करें और उसे आगे बढ़ाना यही बेटर है पे कि प्रीवियस नॉलेज से आपने पूर्व ज्ञान से ओल्ड नॉलेज से कनेक्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर देखिए अगेन ये आपका मैंने कहा ही था धीरे धीरे आपके होंगे क्या है चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली वेन दे आर अंडर नरेस्ड और अनवेल यदि बच्चे अल्प पोषित है या कुपोषित हैं उनको ठीक से पोषण नहीं मिल पा रहा तो वो ठीक से नहीं सीख पाएंगे अस्वस्थ हो जाएंगे बात सही है ट्रू है ये बात एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसका रीजन क्या है ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड फिजिकल डेवलपमेंट हैजन इंपैक्ट ऑन कॉग्नेटिव डेवलपमेंट इसका रीजन यहा है कि यह है कि विकास के सभी क्षेत्र परस्पर संबंधित है और भौतिक विकास नहीं इसको हम शारीरिक विकास कहेंगे यहां पर शारीरिक विकास का जो संबंध है वो शारीरिक विकास का प्रभाव संज्ञानात्मक विकास पे पड़ेगा यानी जो दिमाग का विकास है उस पर पड़ेगा आपके शरीर का विकास यदि दिमाग को ठीक से खाना ही नहीं मिला विकसित ही नहीं हो पाया कुपोषण के कारण भारत में कितने ज्यादा बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं है ना आपने वो भी शायद बिग बॉस में आए थे या कुछ तो मैं बिग बॉस बिल्कुल नहीं देखती हूं बट मुझे आइडिया है आ, अब्दू करके एक व्यक्ति है ना तो वो माल न्यूट्रिशन के शिकार रहे हैं आई थिंक तो बहुत बड़ी बड़ी जो है समस्या है मतलब अगर हम देखें हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन है यानी न्यूट्रिशन का सही मात्रा में ना मिल पाना कुपोषण बढ़ती उम्र में छोटी उम्र में स्पेशली तो क्या होगा दिमाग ठीक से डेवलप नहीं होगा शरीर ठीक से डेवलप नहीं होगा शरीर ठीक से डेवलप नहीं होगा दिमाग नहीं होगा सोशली भी दिक्कत आएगी सत्तर तरीके की समस्याएं आपकी बन जाएंगी ठीक है ना तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे तो सारे फिजिक जो डेवलपमेंट के प्रकार हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और आपका शारीरिक विकास आपके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा आपका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा यदि आपका शरीर ठीक से डेवलप नहीं हुआ तो यहां पे क्या है ये ए भी सही है और आर भी सही है तो बोथ ए एन आर आर टू एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इसीलिए हम मिड डे मील दे रहे हैं बच्चे को ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स और वो आपको याद होगा आमिर खान ऐड करते थे जब मैं छोटी थी टीवी में है ना कुपोषण का एक ऐड आता था कि सही मात्रा में पोषण कितना आवश्यक है क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स देखिएगा विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट कौन सा प्रिंसिपल दर्शाता है ये स्टेटमेंट द चाइल्ड लर्न टू स्टैंड बिफोर शी कैन वॉक एंड बैबल बिफोर शी कैन टॉक या बिफोर शी टॉक्स अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िएगा विकास के सिद्धांत कौन से विकास के सिद्धांत को दर्शाता है कि बच्चा चलना सीखने से पहले खड़े होना सीखेगा बिल्कुल सही बात है अगर आपको खड़े होना नहीं आता चलना कैसे सीखेगा बच्चा और बोलने से पहले बर्ड बड़ाना या बलबलाना कहते हैं उसको बैबल करना बा मा पा पानी मतलब पानी तो पूरा हो गया लेकिन बलबलाना जो वो शब्द सिंगल सिलेबल वर्ड्स को जब वो बोलेगा बा मा पा ये सब क्या है बलबलाना है बच्चे का तो प्रॉपर बोलने से पहले ये वाली स्टेज आती है बैबलिंग की और चलने से पहले खड़े होने की स्टेज आएगी क्लियर बात है अब ये विकास का कौन सा सिद्धांत है पहला डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल यानी विकास अनुक्रमिक है क्रमिक है एक ऑर्डर में होता है एक सीक्वेंस में होता है बात तो सही लग रही है डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हेड टू टो सर से पैर की ओर कि बच्चा पहले खड़े होना सीख पा रहा है फिर चलना सीख पाएगा भाई यहां पे बात लैंग्वेज की भी तो हो रही है सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की थोड़ी हो रही है ये तो फिजिकल डेवलपमेंट की डायरेक्शन है हेड टू टो वाली जो है क्योंकि यहां पर बात बोलने की भी हो रही है बैबलिंग की बात हो रही है बोलने से पहले इसका मतलब एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है डेवलपमेंट में सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है डिसऑर्डरली नहीं ऑर्डरली होता है प्रोग्रेसिव सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे प्रोक्सिमोडल का तो मतलब ही नहीं है तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर सीक्वेंस में होता है विकास कि इसमें एक एक क्वेश्चन वो भी आ जाता है, एक बच्ची है जो उछलना सीखना पड़ेगा आपको या दौड़ना सीखना पड़ेगा रस्सी कूदना या स्किपिंग सीखने से पहले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तो वो भी सेम ही बात है सीक्वेंस चाहिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा प्याजे और है वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस इन दियरीज ऑफ जीन प्याजे एंड यानी जीन प्याजे और वैगोस्की की थियोरी में जो मेजर डिफरेंस है मुख्य अंतर है दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं रचनावादी बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करते हैं है ना तो पियाजे एम्फसाइज़्ड ऑन दी रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं बट ठीक है हमने मान लिया हम बेहतर ऑप्शन चाहिए ना फिर तो वाइगोस्की ने भी एम्फसाइज़ किया है तो इसमें तो अंतर कहां बचा कोई डिफरेंस ही नहीं है इस बात में तो फिर गिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू हेरिडिटी उल्टा कह दिया उन्होंने तो वाइगोस्की तो हेरिडिटी को मानते ही नहीं अगर देखा जाए तो सोसाइटी को ज्यादा मान रहे हैं उनकी थियरी का नाम ही है वाइगॉस्ट सोशियो कल्चरल अप्रोच कल करने वाले हैं उसके क्वेश्चन हम वाइगोस्की एम्फ द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्नेटिव डेवलपमेंट यानी वाइगोस्की ने विकास में संज्ञानात्मक विकास में दिमाग के विकास में किसको महत्व दिया है कल्चर को संस्कृति की भूमिका को किस संस्कृति किस समाज में हम रह रहे हैं कितना हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे प्रभाव पड़ेगा बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट पे ये बात एकदम सही है उनकी थ्योरी का नाम ही सोशियो कल्चरल अप्रोच है पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन ऑन हर ओन एज वेल एज व्हाट शी कैन डू विद सपोर्ट ये बात वाइगॉस की है तो सिर्फ सी ऑप्शन यहाँ सही है बाकी कोई बात सही बन ही नहीं रही है अगर डिफरेंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखेगा फटाफट सॉल्व कीजिए कैरल ग्लिगन क्रिटिंग लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बाई दैट मैन हैव मॉरैलिटी ऑफ डैश वाइल वुमेन हैव मॉरलिटी ऑफ डैश यानी कि केरल ग्लिगन जो कि कोहलग की ही स्टूडेंट थी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कोलबाग के नैतिक विकास के सिद्धांत को यानी मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी सही और गलत एक क्वेश्चन जरूर आता है इस बार दो या तीन आए हुए हैं दो क्वेश्चन आए हुए हैं कोहलबग पे ठीक है ना कि जो मैन की मॉरलिटी है वो कैसी है जस्टिस आधारित है ऐसा कोहलबग कहते हैं और इसी बात पे क्रिटिसाइज किया है इन्होंने किसने कैरल ग्लिगन ने जो कि एक महिला है अभी भी है कि ये बात सही नहीं है कि आप इंफीरियर दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं या आप कह रहे हैं कि रैशनल ज्यादा होते हैं मेल्स अपने उसमें डिसीजन मेकिंग में या मॉरलिटी में जबकि महिलाओं की जो मॉरलिटी है वो केयर बेस्ड ज्यादा होती है वो केयर को भी ध्यान में रखती है ठीक है ना इमोशंस कह लीजिए तो केयर बेस्ड होगी जो महिलाओं की तो जस्टिस और केयर यहां पे सही उत्तर होगा है ना आगे पीछे नहीं कर देना इसको पुरुषों में जस्टिस यानी न्याय कह लीजिए ज्यादा लॉजिकल वाली बात और ये सब हालांकि क्रिटिसिज्म में ये कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस चीज को बहुत प्रेस किया जा रहा हो और uh, जो देखभाल कह लीजिए केयर वो यहाँ पे महिलाओं के केस में तो पहले न्याय जहां जिस ऑप्शन में होगा उसके साथ जाइएगा अगर उल्टा कर दिया तो एक नंबर कट जाएगा यहीं पे तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे uh, कोलबक की थियोरी करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखिएगा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए क्या कहता है भाई ये विच बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बार भी क्वेश्चन कई सारे आए हुए हैं क्रिटिकल थिंकिंग पे उसी पे बेस्ड है ये विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जिसको हम हॉट्स कहते हैं हॉट्स होते हैं जिसमें दिमाग ज्यादा इस्तेमाल होगा आपका सच एज एनालिसिस एंड एवेल्युएशन तो कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसे उच्च स्तरीय सोच या चिंतन कौशल का परीक्षण करता है पहला ऑप्शन आपके सामने वॉट डिफरेंसिस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया एंड वाई यानी आप अपने क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और ऐसा क्यों है यानी प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच जो सुविधाओं का अंतर है वो क्या अंतर है और ऐसा क्यों है आखिर जो भी अगर प्राइवेट अच्छा है या गवर्नमेंट अच्छा है या बुरा है तो वो क्यों है और क्या अंतर है इसमें बच्चे को एनालाइज करना पड़ेगा दोनों चीजों के बीच में विश्लेषण करना पड़ेगा प्राइवेट में क्या है गवर्नमेंट में क्या है कौन सा अच्छा है क्या रीजंस हो सकते हैं और फिर एवेल्युएट करना पड़ेगा जज करना पड़ेगा एवेल्युएशन में आता है ना जजमेंट आपको जज करना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा बेहतर है

लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग भी क्योंकि वो एनालिसिस सिंथेसिस बेस्ड ही होती है इसलिए दोनों तरफ पूछा जा सकता है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर एक मिनट में बता दोगे अट्ठाईस और आठ है ना कि भाई स्टेट्स हैं और 28 आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं तो तो ये क्या ये क्या हुआ रिकॉल बेस्ड है इसमें कौन सा एनालिसिस लग गया आपका कौन सी हायर मेंटल एबिलिटीज लग गई दिमाग की हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड वो भी एक प्रोसेस है जो आपके दिमाग में आप, आपको पता होगा तो आप बता देंगे ठीक है ना तो इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग लग गई हो इन्होंने कहा एनालिसिस एंड जहां यूज हुआ हो अगर हम ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करें तो हमें पता है कि वो सिक्स लेवल्स की बात करते हैं नॉलेज यानी जहां पे सिर्फ आपको चीजें याद रखनी होनी चाहिए डेफिनेशन है कोई रिकॉल बेस्ड चीजें हैं है ना पूछा जाए भारत की राजधानी तो आपका नॉलेज बेस्ड हो जाएगा फिर कॉम्प्रीहेंशन कोई चीज आपको समझनी है अगर है ना समझ के लेवल पे कोई चीज समझ आ गई फिर हम कहते हैं एप्लीकेशन दो चार होते हैं इसको आप दुकान पे जाके कोई सामान ले आए तो ये एप्लीकेशन हो गया ठीक है फिर आता है एनालिसिस कि अब आप विश्लेषण कर पाए दो चीजों में क्या अंतर है उसके बीच की चीजों को डीप में देख पाए एनालाइज कर पाए फिर आता है आपका सिंथेसिस यानी अपने मन से कुछ नया क्रिएट भी कर पाए जोड़ पाए चीजों को एनालिसिस में तोड़ते हैं हम कि फेल हुए तो क्यों हुए किस सब्जेक्ट में नंबर कमाए ये एनालिसिस है क्यों आए वो एनालिसिस है सिंथेसिस कुछ नया क्रिएट करना कोई किताब लिख दी आपने फिर है आपका इवेल्यूएशन ये पुरानी टेक्सोनॉमी है ब्लूम की टेक्सोनॉमी है ये है ना ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यूट्यूब पर कराया भी हुआ है बट ये ज्यादा डीप में तो नहीं आता आपको बेसिक पता होना चाहिए ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का भी कॉग्नेटिव आस्पेक्ट है ठीक है ना तो अगर हम देखें यहां पे तो सिंथेसिस आज की डेट में सबसे ऊपर है जिसको क्रिएटिंग कह दिया गया है और इवेल्यूएशन उसके नीचे है इवेल्युएशन में हम जजमेंट क्रिएट करते हैं कि कितने नंबर आए क्यों आए क्या इसका रीजन है ठीक है ना तो इनको ये जो ऊपर के तीन है जिनको हम एनालिसिस सिंथेसिस और इवेल्यूएशन कहते हैं इनको हॉट्स कहा जाता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जिसमें ज्यादा दिमाग इस्तेमाल में लाया जाएगा बच्चे का जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको इस तरह के क्वेश्चंस हम देते हैं करने को जिसमें ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल हो वहीं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इन नीचे के चार को कहा जाता है सॉरी नीचे के तीन को कहा जाता है ऊपर वाले जो चार हैं ये हायर में आएंगे और नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन ये आपका लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आएंगे तो ये जानना जरूरी है कि हॉट्स क्या होते हैं और लॉट्स क्या होते हैं चलिए खैर आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के लिए आसान से सवाल आखिरी में आपके लिए रखा है आखिर में देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी है कितने नंबर आपके आए कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी बताइएगा अंत में लेव वाइगॉस्की बिलीव दैट डेवलपमेंट यानी वाइगॉस्की का मानना था कि विकास एक डिस्कटिन्यूअस प्रोसेस है यानी असतत है अनिरंतर है इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग देखिए जेनेटिक्स का हेरिडिटी की बात वाइगॉस्की नहीं करते वो एनवायरमेंट की बात ज्यादा करते हैं सोसाइटी की कल्चर की बात ज्यादा करते हैं रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन और मैचुरेशन कहां से आता है हेरिडिटी से तो so अगेन ये तो ऐसी बात हो गई कि वाइगॉस की हेरिडिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो ऐसा नहीं है ये बात पियाजे कहेंगे ये बात भी पियाजे कहेंगे रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन ये बात एकदम सही है कि इनका मानना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है जो आपका डेवलपमेंट है वो समाज के साथ इंटरेक्ट करने में जो आप बड़ों के साथ कोई काम सीख रहे हैं इंटरक्ट कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं तो सोशल इंटरेक्शन से या सोसाइटी और कल्चर के साथ घुलने मिलने से विकास होता है ठीक है ना इस डिस्कटिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता क्योंकि इनके अनुसार विकास कॉन्टिन्यूअस है इन्होंने कोई स्टेज नहीं दी डेवलपमेंट की एज को ये ज्यादा महत्व देते नहीं है किसी भी एज में कुछ भी आप सीख जाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस है विकास बाइगॉस्की के अकॉर्डिंग लेकिन डिस्कटिन्यूस अगर पूछा जाता तो यहाँ पे प्याजी होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने स्टेजेस में बांट दिया है ठीक है ना तो ये एक बेसिक सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर डी एटी सेवन परसेंट लोग सही जवाब दे पा रहे हैं आउट ऑफ थर्टी कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए वो आप कॉमेंट्स में बताएंगे इसका जो पी है आंसर्स आपको यहीं से लेट्स लेट्सलन से देखने पड़ेंगे आंसर में मार्क नहीं कराऊंगी या करा भी दूंगी uh, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको टेस्ट के रूप में लें तो ज़्यादा अच्छा है बट uh, देख लेंगे लास्ट में मेंशन में करा देंगे तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये आपको टेलीग्राम चैनल है और इसके अलावा मेल आईडी डी यहाँ पे है ही गिवन अच्छा के वाले जो लोग हैं सेलेक्टेड वो मेल कर दीजिएगा इस बार मैं अलग से वीडियो नहीं बना पाई हूँ काफ़ी लर्नर्स हैं जो भेज चुके हैं काफ़ी लर्नर्स हैं जिनका रहता है इधर उधर कमेंट कर रहे हैं तो परेशान ना हो वो एक फॉर्म में डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे उसको आप फिल कर दीजिएगा जिनका के में सिलेक्शन हुआ है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा होपफुली सेशन आपको पसंद आया होगा सीटेड बैच में अगर आप एनरोल करना चाह रहे हैं सारे टीचर्स आपको पढ़ाएँ डेली तो वो आप करियर लैब पे कर सकते हैं अभी भी बहुत ही बेसिक सी एक फी है और इसके अलावा बाकी तो अपने साथ बने रहिए आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन कितने ठीक हुए वो थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए और आज के सेशन में कोई डाउट हो कोई समस्या हो कहीं कोई डिस्कशन रहता हो तो वो आप बता दीजिए ठीक है ना कल हम वाइगॉस्की के क्वेश्चन करेंगे और आ, ऐसे ही फिर हम हिंदी पैडागॉजी इंग्लिश पैडागॉजी यू वी चीज़ें करते रहेंगे इनफ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और मैराथन भी आप प्रीवियस देख लीजिए मौका लगेगा तो इस बार भी करा देंगे अगर तो बस सही रही तो बहुत मज़ा आया वेटिंग फॉर नेक्स्ट क्लास बहुत बढ़िया अंजलि मज़ा ही आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए है ना नहीं तो क्वेश्चन तो आप कितने भी किताब में बैठ के लगा लो इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट पर जाकर लगा लो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो गड़बड़ होगी आज मैंने कई क्वेश्चन ऐसे कराएं जिसमें आप फंसे होंगे है ना हेलो मिनी मुखर्जी चलिए कल नौ बजे मिलते हैं हाँ डेली क्लास लूँगी यार मोहम्मद शायद मेरी तो रोज़ की इच्छा है कि मैं लूँ मज़ा आ गया मैम नसरुद्दीन कह रहे हैं चलिए बहुत बढ़िया सिक्स टू एट लेवल के भी क्वेश्चंस इसमें हैं ये सेम ही आपको तैयारी करके जानी है चाहे पेपर वन हो पेपर टू मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इंक्लूड कर रही हूँ हाँ हेल्थ सही नहीं लग रही समर कह रहे हैं हाँ यार वो काफ़ी दिनों से सही नहीं है पिछले जल्दी सो जाती हूँ आजकल रूटीन ठीक हो गया इस बहाने हेल्थ के गड़बड़ के कारण नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं आपको फ्री नोट्स भी दिए हुए हैं और जो ऐप में मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही और बताओ मज़ा आ गया धन्यवाद डॉली करेक्ट हुए अट्ठाईस टूमारोज टॉपिक वाइगॉस्टी लगाया हुआ है बहुत दिनों से वो वाइगॉस् को कंप्लीट करेंगे और फिर अलग अलग टॉपिक्स ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे एक मंथ में हो जाएगा पेपर क्लियर मेहनत करोगे बशरते अच्छे से प्रीवियस मैराथन है सब कुछ है देख लो एक बार लाइक शेयर कर देना चलिए धन्यवाद कॉमेंट्स में बताना अपने विचार और क्या स्कोर आपका आया आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बहुत प्यार दिया आप लोगों ने इतने दिन बाद हम मिले दस ग्यारह दिन बाद थैंक यू सो मच कल मिलेंगे नौ बजे शाम को